गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको लास्ट टाइम, उनको अटेम्प्ट किया नहीं? डाउट बताइए. एज्यूम कर लीजिए आउटसाइड इंडिया है, तो क्वेश्चन 29 में प्रिज्यूम कर लीजिए कि एसेट इंडिया से बाहर खरीदा है. तो ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. सो प्लीज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करिए. मैं आज आपको कोई क्वेश्चंस नहीं दूंगा. रीजन है कि जितने क्वेश्चंस हैं उसमें बड़े सारे कंसेप्ट मिक्सड है, तो एक क्लास और लगेगी आज के बाद, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे और ग्रेजुअली फिर सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे. लास्ट टाइम मैंने एक सर्कुलर पढ़ने के लिए आपसे कहा था, वो भी नहीं पढ़ा होगा आपने शायद. पेज 177 पर, पेज 177, जो फार्मर है एग्रीकल्चरिस्ट अपना प्रोड्यूस बेचता है ट्रेडर को, ट्रेडर को बेचता है, मान लीजिए 1,99,000 का बेचता है, तो ट्रेडर के हाथ में एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा. ट्रेडर मींस जो सब्जी मंडी वाला है, जो सब्जी मंडी वाला है वो खरीदता है, तो उसके हाथ में एक्सपेंस क्यों अलाउ होगा? 48(3) क्यों नहीं लगेगा? डायरेक्टली एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद रहा है, रूल 6(D) में एग्जेम्प्ट हो जाता है. यहां पैन नंबर भी देने की जरूरत नहीं होती है, लेस देन 2 लाख है, सो अबव 2 लाख पैन नंबर देना होता है. और यहां ट्रेडर के हाथ में, सॉरी, कैश कौन रिसीव कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट. उसके हाथ में 2,16(ST) नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अप टू लेस देन टू लैक्स. बिकॉज 2 लाख और मोर पर 2,16(ST) लगता है. और प्रैक्टिकली एक फार्मर जब किसी ट्रेडर को अपना सामान बेचता है, 2 लाख तक ही मैक्सिमम होगा. एंड देयरफॉर बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि अगर 2 लाख तक आप कैश में बेच रहे हैं, ना तो ट्रेडर के हाथ में 48(3) लगेगा, ना एग्रीकल्चर को पैन की जरूरत है, और ना ही एग्रीकल्चर के हाथ में 2,16(ST) लगेगा. हम लास्ट टाइम पेज 137 पर थे. 137 जहां हम जनरल क्लॉज फॉर डिडक्शंस कर रहे थे, सेक्शन 37, जहां हमने एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ी थी कि जहां आप CSR में एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37(1). पेज 138 पर आइए. अगर स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड को आप डोनेशन देते हैं, उस पर ATG मिलती है, बट ATG में अमेंडमेंट आया क्या? अगर आपने उस डोनेशन को CSR स्पेंड ट्रीट कर लिया है, तो ATG की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते. बट पॉइंट 3 में अगर किसी और PM फंड को दे रहे हैं, उस पर ATG आपको मिल जाएगा. पॉइंट 7, अगर आप PM केयर फंड को दे रहे हैं, उस केस में आपको ATG भी मिल जाएगा, और उसको हम CSR स्पेंड भी मानेंगे. लेकिन अगर आपने 115BAA ऑप्ट कर लिया है, 115BAB ऑप्ट कर लिया है, जहां टैक्स रेट 15% 22% होते हैं, वहां पर ATG नहीं मिलता आपको. क्लियर है यहां तक? पॉइंट 2, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन पर्सनस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज CSR एक्टिविटीज. तो कंपनी जो नॉर्मल बिजनेस करती है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज CSR स्पेंड. CSR स्पेंड तब होता है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं. तो ये वाला एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस के कोर्स में करते हैं, उसे CSR स्पेंड काउंट नहीं किया जाता.
पॉइंट फोर सिर्फ क्लेरिफिकेशन है मेरी तरफ से कि सीएसआर पर जो आपने खर्चा किया उस पर 37.1 नहीं मिलेगा, बट अगर वो एक्सपेंस 30 to 36 में कवर हो रहा है तो क्या डिडक्शन आपको 30 to 36 से मिल जाएगी? मिल जाएगी, बट आप कहेंगे ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है जो 30 to 36 में कवर्ड हो और सीएसआर स्पेंड माना जाए? नहीं, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च अपने लिए कर रहे हैं वो सीएसआर स्पेंड नहीं माना जाता। एक सेक्शन करेंगे आप दो क्लास बाद, आज की और नेक्स्ट क्लास बाद एक सेक्शन करेंगे आप 35.12 जहां टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जिसे हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, जो कैंसर में स्पेशलाइज करता है, अगर आप कैंसर की रिसर्च के लिए पैसा देते हैं टाटा रिसर्च टाटा मेमोरियल को तो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट उसकी आपको डिडक्शन मिलती है 35.12 में, उसकी आपको डिडक्शन मिलती है 35.12 में। इसे सीएसआर स्पेंड भी मानते हैं, इसे सीएसआर स्पेंड भी मानते हैं बिकॉज आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और इसकी आपको 35.12 की भी डिडक्शन मिल जाती है। ऐसे ही मैं आपको 35.13 कराऊंगा जहां कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो सोशल रिसर्च करती है उसको डोनेशन देते हैं तो वो डोनेशन 35.13 में भी डिडक्टेबल है और उसे हम सीएसआर स्पेंड भी मानते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, डोनेशंस टू सर्टेन ट्रस्ट नोटिफाइड अंडर 35.12.13 कैन बी ट्रीटेड एज सीएसआर स्पेंड एंड आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35.12.35.13। ये सर्कल हमने लास्ट टाइम कर लिया था। पेज 139 पर आइए, एक सर्कुलर और दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अगर आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं दैट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37.1। अब कुछ एओज है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कंपनी ले सकती है और कंपनी अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करती है तब डिडक्शन मिलेगी। एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली और पार्टनर के लाइफ पर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर प्रीमियम पे किया, बताइए वो प्रीमियम डिडक्टेबल 37.1 में होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बट कुछ एओज नहीं कर रहे थे, इसने बोर्ड ने क्लैरिफाई करके सर्कुलर निकाला। इन व्यू ऑफ दिस लास्ट पैरा, इट इज सेटल्ड पोजिशन दैट इन केस ऑफ अ फर्म प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर टू सेफगार्ड द फर्म अगेंस्ट द डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस इज एडमिसिबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब आप इधर देखिए, पेनल्टीज, पेनल्टी आप किसी भी लॉ में पे करेंगे दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पेनल्टी किसी भी लॉ में पे करेंगे, पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्यों? बिकॉज आपने पेनल्टी की है किसी लॉ का इन्फ्रेक्शन करने के लिए, आपने पेनल्टी पे की है बिकॉज ऑफ इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ। अगर उस पेनल्टी की आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाए यानी आपका टैक्स बच जाएगा, यानी एक तरह से आपको फिस्कल इंसेंटिव मिल गया एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेनल्टी फॉर इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ इज नॉट डिडक्टेबल। सो पेनल्टीज इम्पोज फॉर इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ आर नॉट डिडक्टेबल। हाजी अजीज एंड अब्दुल शकुर ब्रदर्स सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट याद नहीं करना, वेल सेटल्ड लॉ है। आपने पेनल्टी पे की इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउड है, पेनल्टी पे की जीएसटी में डिसअलाउड है।
सो पेनल्टी अगर आपने जीएसटी में पे किया वो भी डिसअलाउड है, पेनल्टी आप किसी भी एक्ट में पे करें इट इज डिसअलाउड. व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताइए क्यों दिया जाता है? आपने लेट पेमेंट की, आपने लेट पेमेंट की जैसे कि आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया और अपने पास रखा, जमा नहीं किया, इस पर आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पर इंटरेस्ट दिया, तो कोर्ट्स ने कहा कि इसे हम इस तरह से देखेंगे कि आपने बैंक से लोन लेने की जगह, आपने बैंक से लोन लेने की जगह जीएसटी यूज कर लिया और एक तरह से आप बैंक को इंटरेस्ट देते वो डिडक्टेबल होता, इसलिए इंटरेस्ट डिडक्टेबल है. सो इंटरेस्ट आप किसी भी लॉ में पे करते हैं अगर वो इंटरेस्ट क्या है, कंपनसेटरी है, यानी डिले इन डिपॉजिटिंग पर है, उस केस में इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन. बट इंटरेस्ट पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. सो इनकम टैक्स एक्ट में अगर इंटरेस्ट पे करते हैं आप 234 ए बी सी डी के इंटरेस्ट पे करते हैं, टीडीएस आपने लेट जमा किया उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट विल बी ऑल डिसअलाउड. क्योंकि इनकम टैक्स में डिफॉल्ट करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर डिडक्शन दे दिया इट अमाउंट्स टू अ फिस्कल इंसेंटिव. तो याद रखिए इंटरेस्ट आप किसी भी लॉ में पे करें अलाउड है इफ इट इज कंपनसेटरी, बट इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. कंपनसेटरी का क्या मतलब है, सुनिए अभी कराता हूं, चलिए कर ही लेते हैं. पीएफ एक्ट कहता है कि अगर आप पीएफ लेट जमा करेंगे तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, बट अगर आप रेगुलर डिफॉल्टर हैं तो पीएफ कमिश्नर इस इंटरेस्ट को बढ़ा के 16% कर देगा. अगर आप रेगुलर डिफॉल्टर हैं, यानी 4% किस नेचर का है, पेनल्टी है. सो इन दैट केस 16% में से 12% इज अलाउड एज डिडक्शन विच इज कंपनसेटरी नेचर, 4% विच इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी विल बी डिसअलाउड. बताइए मैंने इनकम टैक्स पे किया बैंक से लोन लेकर, मैंने इनकम टैक्स पे किया बैंक से लोन लेकर, क्या वो इंटरेस्ट मुझे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा? नहीं अलाउ होगा, नहीं अलाउ होगा. एनीथिंग टू डू विद इनकम टैक्स इज टू बी डिसअलाउड. सो अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, कोई भी इनकम टैक्स पे किया है, बाय टेकिंग अ बैंक लोन इट विल बी डिसअलाउड. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म की हुई है, एक मिनट देखिएगा, ये दिया हुआ है पेज नंबर 116. अभी आएंगे इस पेज पर, 116 पे आइए, एक मिनट, 116 नंबर, पेज नंबर 116, पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है. इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर सिंस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लायबिलिटी. तो एक बात ध्यान में रखिए, एनीथिंग कंसर्निंग इनकम टैक्स इज डिसअलाउड. बताइए जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं क्या वो डिडक्शन अलाउ होता है? वो भी नहीं होता. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, इंटरेस्ट पे करते हैं वो अलाउ नहीं होता, पेनल्टी पे करते हैं वो अलाउ नहीं होती. अगर आपने लोन लेकर इनकम टैक्स पे किया डिसअलाउ हो जाएगा इंटरेस्ट. ओडी ऑल्सो, आप देखिए जब मैं ओडी से पेमेंट करता हूं एडवांस टैक्स की, तो एओ 100% ओडी पर जो आपने पैसा निकाला इनकम टैक्स पे करने के लिए उसका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट निकाल के डिसअलाउ करता है. और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन. वापस आइए,
पेज 139 हो गया हमारा ये तो. सो पेनल्टीज इंपोज फॉर इंफेक्शन ऑफ लॉ नॉट एडिटेबल, डॉक्टर टी ए कुरेशी, जो मैं लास्ट टाइम क्लास जब एंड कर रहे थे तो हम ये जजमेंट डिस्कस कर रहे थे. डॉक्टर टी ए कुरेशी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए. लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द लीगल बिजनेस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड इलीगल बिजनेस. सिंस इलीगल बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है, इलीगल बिजनेस के लॉसेस भी आपके सेट ऑफ हो जाएंगे अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द लीगल बिजनेस. सब्सिक्वेंट टू रिकवरी एंड सीजर ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीरोइन ड्रग्स फ्रॉम द असेसी डॉक्टर्स पोजेशन, ही फाइल रिटर्न क्लेमिंग दैट सिंस हीरोइन सीज फ्रॉम हिम फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड एंड हेंस इट्स लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सीजर वॉज अलाउबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम. ईओ ने लॉस डिसअलाउ कर दिया. हेल्ड on an appeal to the Supreme Court, the Supreme Court held out no doubt. The assessee has contended that it was only earning income from medical profession and was not doing any illegal activity of manufacturing or selling heroin. However, the finding of fact of the tribunal was that assessee was engaged in manufacture and selling of heroin. The tribunal held that heroin seized was assessee's stock in trade. It was implicit that tribunal reiterated the view that assessee was doing the business of manufacture and sale of heroin. In order of the tribunal, there was a finding to the fact that the heroin formed part of the stock in trade of the assessee. In view of the said finding, the tribunal allowed assessee's claim of deducting loss of 5 kg of heroin, whose value was assessed by the tribunal as 2 lakh as business loss. The view taken by the tribunal has to be sustained, Supreme Court ने कहा. Explanation to section 37 जो कहती है कि illegal expenditure allow नहीं होगा has really nothing to do with the instant case as this was not a case of business expenditure but of business loss. Business losses are allowable on ordinary commercial principles in computing profits. Once it is found that heroin seized form part of the stock in trade of the business of the assessee, it followed that seizure and confiscation of the stock in trade has to be allowed as a business loss, and loss of stock in trade is considered as a trading or a business loss. Clear hai? Aap jab past year questions karenge na, वो जो एक एनिमल्स वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, होटल वाला, उसी क्वेश्चन में है कि होटल में एक बार है, होटल में एक बार है जहां होटल उस बार में वाइन्स एंड विस्की बेचता है. कस्टम वालों ने बार पर रेड की, कस्टम वालों ने बार पर रेड की होटल के, और वहां इंपोर्टेड स्कॉच बॉटल्स मिली जिसका असेसी के बाद लाइसेंस नहीं था. यानी असेसी इंपोर्टेड स्कॉच बेचता था विदाउट द लाइसेंस, और कस्टम वालों ने उसका स्टॉक 5 लाख का सीज कर लिया, और असेसी ने इस 5 लाख के लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया हुआ है. अलाउ हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ टी ए कुरेशी. जो इंपोर्टेड स्कॉच बेच रहा है होटल, इलीगल एक्टिविटी है, उसका जो स्टॉक कन्फिस्केट किया कस्टम वालों ने, इट्स अ बिजनेस लॉस, एंड बिजनेस लॉस ऑफ अ इलीगल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द लीगल बिजनेस. एक और केस है, देखिए टीसी रेडी, जहां असेसी ने बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए और यूएस कस्टम वालों ने कोई वॉयलेशन होने की वजह से गुड्स कन्फिस्केट कर लिए. बताइए कन्फिस्केशन का लॉस असेसी को अलाउ हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा. सेम प्रिंसिपल.
where goods have been confiscated by the custom authorities in the foreign country due to certain statutory violations, can the same be treated as loss of stock in trade and claimed as reduction? High Court ne kaha, confiscation of pharmaceutical drugs is a business loss following the judgment of Dr. T. A. Qureshi, Supreme Court. Penalty interest under the direct tax laws is not allowed. So anything to do with income tax is disallowed. Income tax pay karte hai, what is allowed hai? Income tax mein penalty pay karte hai, what is allowed hai? Income tax mein interest pay karte hai, what is allowed hai? Agar aapne income tax loan leke pay kiya, us loan par interest bhi disallowed hai. देखिए सारी जजमेंट्स के थ्रू लॉ एस्टैब्लिश्ड है. सो इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल. इसके आगे लिखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234 ABCD एंड इंटरेस्ट फॉर default in deducting or paying TDS is to be disallowed. पहला जजमेंट देखिए इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो पहला जजमेंट उसमें क्या हुआ देखिए असेसी ने फॉरेन कोलैबोरेटर को फीस पे करनी थी. एंट्री चाहे तो नोट कर लीजिए आप एट द टॉप लिख लीजिए. असेसी ने फॉरेन कोलैबोरेशन फीस थी 10 लाख की वो पे करनी थी. इस पर असेसी को 10% TDS काटना चाहिए था बट वो काटना भूल गया. उसने टू बैंक पे कर दी. He forgot to deduct TDS of rupees 1 lakh 10% TDS कटता है. फिर असेसी ने एंट्री पास की कि फॉरेन कोलैबोरेटर डेबिट टू TDS paid. TDS payable. Payable. 1 lakh. 1 lakh. TDS अपनी पॉकेट से पे कर दिया उसने. टू बैंक 1 lakh. नोट करो प्लीज नोट कर लो योरी. और फिर असेसी ने फॉरेन कोलैबोरेटर ने पैसे देने से मना कर दिया. फॉरेन कोलैबोरेटर ने पैसा देने से मना कर दिया. असेसी ने राइट ऑफ कर दिया बैड डेट.
सो फॉरेन कोलैबोरेटर रिफ्यूज टू पे द मनी और असेस ने उसे राइट ऑफ कर दिया. बताइए बैड डेट अलाउ होगा या नहीं? नहीं होगा. आज हम पढ़ेंगे आधे घंटे बाद पढ़ेंगे हम, ये बैड डेट नहीं अलाउ होगा. क्या ये 37(1) में अलाउ हो जाएगा? मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 1,00,000 क्यों पे किया है? डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द इनकम टैक्स एक्ट. आपने 1,00,000 पे किया बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द इनकम टैक्स एक्ट एंड देयरफॉर एनी पेमेंट मेड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट डिडक्टेबल. तो ना तो ये नॉट अलाउड एज बैड डेट. क्यों अलाउ नहीं होगा बैड डेट अभी देख लेंगे थोड़ी देर में. एंड इट्स नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37(1) ऑल्सो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पेमेंट आपने की है फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो एंट्रीज लिख लिया आपने, इनको डिस्कस करेंगे, आज भी डिस्कस करेंगे बैड डेट्स में. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 40A1, वहां भी डिस्कस करेंगे इसे. नेक्स्ट क्लास में इसे वहां भी डिस्कस करेंगे. अब ये आंसर अधूरा है, आंसर कंप्लीट नहीं है पूरा, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे अभी. आप लोग अभी कुछ देख नहीं पा रहे. नेक्स्ट क्लास में जब मैं 41 करूंगा ना, तो आपकी और क्वेरीज आएंगी इस पर, और फिर मैं वो क्वेरी आंसर करूंगा जो अभी आप रेज नहीं कर पा रहे. ठीक. एक्सपेंडिचर इनकर ड्यू टू फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस इज नॉट अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंस. इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट. असेसी पेड फॉरेन कोलैबोरेटर द फीस विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, देन ही पेड द टीडीएस टू द गवर्नमेंट. सब्सिक्वेंटली द असेसी फेल्ड टू रिकवर टीडीएस फ्रॉम द कोलैबोरेटर एंड रोट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हेल्ड दैट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर 37(1) सिंस इट अमाउंट्स टू, सिंस द अमाउंट इज पेड फॉर डिफॉल्ट इन डिडक्टिंग टीडीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इट कैन नॉट बी अलाउड एज अ बैड डेट बिकॉज बैड डेट की कंडीशन यहां पर फुलफिल्ड नहीं है. नेक्स्ट पेज पर आइए. आपने पेनल्टी पे की है, इंटरेस्ट पे किया है, लिखिए सेल टैक्स एक्ट / जीएसटी एक्ट. सेल्स टैक्स एक्ट / जीएसटी एक्ट, क्या आंसर होगा बताइए? अलाउड है. क्या अलाउड है? पेनल्टी अलाउड नहीं है. पेनल्टी तो किसी भी लॉ में पे करेंगे अलाउड नहीं है. इट इज ओनली द इंटरेस्ट पेड अंडर द सेल टैक्स एक्ट और जीएसटी इज अलाउड एज डिडक्शन. सो इंटरेस्ट पेड बाय द असेसी टू द सेल टैक्स डिपार्टमेंट और द जीएसटी डिपार्टमेंट ऑन अरियर्स ऑफ सेल टैक्स और जीएसटी इज एडमिसिबल एज डिडक्शन. पेनल्टी जो पे की आपने, चाहे जीएसटी एक्ट में पे की हो या किसी एक्ट में पे की हो, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. ये तो देखिए, मैंने बाहर से गुड्स इंपोर्ट की, कस्टम हाउस से उठाने में देर कर दी मैंने, कस्टम वालों ने मुझ पर डैमरेज लगा दी, क्या वो डैमरेज पेनल्टी होती है और इट्स अलाउबल एज डिडक्शन? डैमरेज बेसिकली क्या है कि आपने 48 आवर्स के अंदर गुड्स नहीं उठाए, तो कस्टम वाले एक तरह से वेयर हाउसिंग चार्जेस इनिशियो कर देते हैं आपके, आपसे, जिसे डैमरेज का नाम देते हैं. सो ये कोई पेनल्टी थोड़ी है. सो डैमरेज पे टू द पोर्ट अथॉरिटीज इन कन्फिस्केशन ऑफ इन कनेक्शन विद रिलीज ऑफ कन्फिस्केटेड गुड्स इज नॉट अ फाइन पेड फॉर इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ
एंड देयरफॉर इट्स अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर पीएफ में आप डिले पे करते हैं अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर डिफॉल्टर हैं जिसकी वजह से आपको पीनल इंटरेस्ट पड़ गया है, दैट पीनल इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट पेड अंडर द एम्प्लॉयज पीएफ एक्ट इज अलाउबल इफ इट इज कंपनसेटरी इन नेचर एंड नॉट पीनल इन नेचर। एट, सुनिए प्लीज, मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं गुड्स आपको सप्लाई करूंगा विद इन वन मंथ। अगर वन मंथ में सप्लाई नहीं की तो एग्रीमेंट कहता है कि मैं आपको 400,000 की पेनल्टी पे करूंगा। मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया एक महीने में, इसलिए मैंने आपको पेनल्टी पे की 400,000 की। क्या वो पेनल्टी मेरे लिए अलाउबलेस डिडक्शन है? देखिए, ये पेनल्टी किसी लॉ ने थोड़ी लगाई है मुझ पर, ये तो मेरा बिजनेस एग्रीमेंट है। और मैं डिले इन सप्लाई क्यों हुआ होगा? मेरी फैक्ट्री में बिजली नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, लेबर काम नहीं कर रही थी, कोविड हो गया, इस तरह से कुछ इशू हो गया। तो जहां आप पेनल्टी पे करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो तो इंसिडेंटल टू बिजनेस है, वो किसी लॉ का इंफ्रेक्शन थोड़ी है। एंड देयरफॉर पेनल्टी पेड फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट इज अलाउबल एज डिडक्शन। सो पेनल्टी डैमेजेस पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी पेड बाय द असेसी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज अलाउबल एज डिडक्शन, बिकॉज रीजन डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर लायबिलिटी टू पे पेनल्टी इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड इज नॉट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। अगर आपने गुड सप्लाई नहीं की कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए पेनल्टी पड़ गई, दैट इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट केस देखिए क्या है, मलवा वनस्पति कंपनी लिमिटेड। सुनिए प्लीज, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि मध्य प्रदेश सेल टैक्स एक्ट कहता है कि असेसी अगर गुड्स परचेज करेगा और अंडरटेकिंग देगा कि मैं इनको मध्य प्रदेश में ही बेचूंगा, तो असेसी को जो परचेज पर सेल टैक्स है वो 2% देना पड़ेगा। असेसी को परचेज पर 2% सेल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि असेसी अगर आउटसाइड मध्य प्रदेश बेचेगा तो सेल टैक्स 4% होता है परचेजेस पर। तो असेसी एक अंडरटेकिंग दे सकता है सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैं गुड्स मध्य प्रदेश में बेचूंगा, उसकी परचेजेस पर 2% सेल टैक्स लगेगा। असेसी ने अंडरटेकिंग दे दी सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैं गुड्स मध्य प्रदेश में बेचूंगा, और मान लीजिए उसने 1,00,000 का सेल टैक्स पे कर दिया परचेजेस पर 2% के हिसाब से। ठीक, अब असेसी डिफॉल्ट कर जाता है और गुड्स बेच देता है कहां पर? मध्य प्रदेश से बाहर बेच देता है। असेसी ने गुड्स खरीदी, अंडरटेकिंग देगा कि मैं मध्य प्रदेश में बेचूंगा, और 2% के हिसाब से 1,00,000 सेल टैक्स पे कर दिया, जबकि उसने गुड्स लेके वॉयलेशन कर दी अंडरटेकिंग की और बेच दिया मध्य प्रदेश के बाहर। मध्य प्रदेश सेल टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो सेल टैक्स कमिश्नर आपके ऊपर 125% पेनल्टी लगा देगा। इसलिए असेसी को 1,25,000 की पेनल्टी लग जाती है। क्या इशू इन्वॉल्व है यहां पर? यह पेनल्टी सेल टैक्स एक्ट में लगी है। एओ कहता है जी पेनल्टी सेल टैक्स एक्ट की वॉयलेशन की है, इसलिए डिसअलाउड है। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट का नाम से मत जाइए, नाम से मत जाइए, डोंट सी द नॉमेनक्लेचर, सी व्हाट इज द रियल सब्सटेंस। यहां असेसी ने 1,25,000 पे किया, उसमें इनफैक्ट 1,00,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल टैक्स। अगर वो गलत अंडरटेकिंग नहीं देता, उसे 2,00,000 रुपए सेल टैक्स देना पड़ता। उसने गलत अंडरटेकिंग देके सेल टैक्स 1,00,000 पे किया, इसलिए उसे पेनलाइज किया जा रहा है 1,25,000 पेनल्टी लगाकर।
बट इस 125,000 में 1,00,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल टैक्स. एंड 25,000 इज अ पेनल्टी विच इज टू बी डिसअलाउड एज डिडक्शन. कंफर्टेबल नहीं लग रहा है? पेनल्टी है नहीं, सेल टैक्स अलग नहीं देना. अगर आपने गुड्स मध्य प्रदेश से बाहर भेज दी, देर इज नो फर्दर सेल टैक्स, इज अ पेनल्टी ऑफ 125%. यही तो एओ बोल रहा था. एओ ने कहा जी 125,000 का पेनल्टी ऑर्डर बन के आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉमन क्लेचर से मत जाइए, सही सेल टैक्स क्या बनता था? 2,00,000. वन जो दिया, वन जो देना चाहिए था. तो इस 125 में से 1,00,000 सेल टैक्स रिप्रेजेंट करता है. मलवा वनस्पति, इफ पेनल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अलाउड एज डिडक्शन. द मध्य प्रदेश सेल टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द असेसी अंडरटेक्स टू सेल द गुड्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ओनली, then he shall pay sale tax at the rate of 2% only on the raw material purchased by him against the sale tax of 4%. The Sale Tax Act also provides that if the assessee sells the goods outside Madhya Pradesh, to koi further sale tax nahi hai please, there is no further sale tax, then he shall be liable to a penalty which shall not be less than the difference in the normal rate of sale tax and the concession rates of sale tax. Maximum penalty will be 125% of the above difference. Assessee, after giving the undertaking, purchase goods for sale in Madhya Pradesh only and paid concessional sale tax of 1,00,000. Later on, he sold the goods outside Madhya Pradesh and the commission of sale tax levied a penalty of 125. क्वेश्चन अरोज कि पेनल्टी डिडक्टेबल है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेयर 1,00,000 पार्ट इज द नेचर ऑफ कंपनसेशन एंड रिप्रेजेंट द सेल टैक्स एट फुल रेट विच इज ऑब्लिगेटरी. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1,00,000 तो इनफैक्ट क्या है? सेल टैक्स की नेचर है. 25,000 पार्ट इज द नेचर ऑफ पेनल्टी. देयरफॉर 1,00,000 विच इनफैक्ट रिप्रेजेंट द सेल टैक्स and therefore is the nature of compensation is deductible under 37(1). 25,000 is really penalty hai, that is not to be deducted. Maine summarize kiya penalty for infraction of any law not deductible as per Supreme Court in Hazi Aziz and Abdul Shakur Brothers. So penalty किसी भी law में pay करेंगे disallowed है. Exception क्या? एक तो मलवा वनस्पति कंपनी, दूसरा क्या है? If breach of contract की penalty. Interest जो आप Income Tax Act में pay करेंगे क्या होगा? Disallowed. इंटरेस्ट का किसी और लॉ में पे करेंगे तो क्या होगा? कंपनसेटरी तो अलाउड है, पेनल्टी के नेचर में है तो डिसअलाउड है. इधर देखिएगा, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बट अगर आपने डिले किया तो हम 2% का पीनल इंटरेस्ट लगाएंगे. पीनल इंटरेस्ट, बैंक कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बट अगर इंटरेस्ट पे करने में आपने डिले किया तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 2% पीनल इंटरेस्ट एंड 14% इंटरेस्ट पे करेंगे. आसा से डिले कर देता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, इसलिए 14% पे करता है. बताइए 2% अलाउ होगा डिसअलाउ होगा? अलाउड होगा, परफेक्टली करेक्ट, बट व्हाई? ये कोई से लॉ का वॉयलेशन थोड़ी है, ये तो एग्रीमेंट है बिटवीन द बैंकर एंड द असेसी. So note says penal interest paid to the bank is allowable as deduction since penal interest is payable as per the agreement between the banker and the borrower. There is no infraction of any law. Interest on loan taken to pay income tax is not allowable as deduction. At the top likhiyega.
एक आपने सुना होगा, फी लगती है मुझे अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं, सेक्शन 234F में एक फीस लगती है 5। अगर आप TDS की रिटर्न लेट फाइल करते हैं, सो 234E में फीस लगती है। एक नई फीस आई है 234G फाइनेंस एक्ट 20 से, इसी मॉड्यूल में करेंगे। इन द चैप्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मैं वही फीस का नंबर चेक कर रहा था, 234G। बताइए जो आपने फी पे की 234EFG की, क्या वो डिडक्शन अलाउबल है? इंस्टीट्यूट टेक्स द व्यू, इंस्टीट्यूट टेक्स द व्यू, फी पेड अंडर सेक्शन 234E, 234F, 234G is neither interest nor penalty. इंस्टीट्यूट कहते, मैं नहीं कह रहा, कोई जजमेंट नहीं है इस पर। Therefore, such a fee is allowable as deduction under section 37(1). तो जो मैं लंबे लंबे क्वेश्चन आपको नहीं करने के लिए दे पा रहा हूं, इसकी वजह यही है, ये सारी माइन्यूट डिटेल्स उन क्वेश्चन में आ जाएंगी। इस पे अभी कोई जजमेंट नहीं है, ये तो हमारी जो मदर बॉडी इंस्टीट्यूट उसने कहा है ये, और उसको तो मानेंगे मानेंगे। आई थिंक अलाउ हो जानी चाहिए, फी है ये तो। लेट फाइलिंग फीस अगर GST में भी है वो अलाउ हो जानी चाहिए, पेनल्टी नहीं है वो। क्लियर है? अब बड़े सारे जजमेंट्स हैं, ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूट का RTP है, केस स्टडीज बुक है, मैंने उससे उठाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। तो ये जजमेंट्स मैंने 3 जगह से उठाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जो केस स्टडीज की बुक आती है वो, और RTP, और इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो एक काम करते हैं, जजमेंट्स एक साथ नहीं करते, बोर हो जाएंगे, हर क्लास में 4-5 जजमेंट कर लेंगे, हर क्लास में 4-5 जजमेंट कर लेंगे। अभी कुछ जजमेंट्स करा देता हूं आपको, टिक करते रहिएगा उनको, ताकि ये पता चल जाए हमने कर लिए। मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने पर डेवलपर को 5,00,000 पे किए। बताइए वेबसाइट बनाने का खर्चा क्या मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा? कोर्ट्स ने कहा यस, कोर्ट्स ने कहा यस, जबकि EO बोल रहे थे तो ये तो इंटेंजिबल एसेट है, इसमें मैं 25% डेप्रिसिएशन दूंगा। बट कंसिस्टेंट व्यू जुडिशरी का ये है कि वेबसाइट डेवलप करने पर जो आप खर्चा करते हैं, इट इज अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1). एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट इनकर्ड बाय द सेसी एंगेज्ड इन ट्रेवल बिजनेस इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड नॉट कैपिटल नेचर। सच एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर सिंस वेबसाइट हेल्प्स इन प्रमोटिंग एंड पब्लिसाइजिंग द बिजनेस ऑफ द असेसी। हार्डली मैटर्स। अगर मेक माई ट्रिप भी है, उनका सारा काम वेबसाइट से है, तो भी अलाउबल एज डिडक्शन है। अगर आपको मालूम हो, आज वेबसाइट में भी टेक्नोलॉजी मुझे हर 3-4 महीने बाद चेंज करनी होती है।
अगर मेरी वेबसाइट 6 महीने पुरानी वाली देखेंगे तो बहुत ही बेकार थी। अब मैंने चेंज किया कुछ, उसमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं पहले किसी उस पर बनी हुई थी, अब किसी और पर बनी हुई है, हाँ उस एल्गोरिथम समथिंग राइट। और अगले 6 महीने बाद फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी। हमारे सिंगापुर में जो कंपनी है वो तो हर 6 महीने बाद, वहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने फास्ट होते हैं कि वेबसाइट चेंज करते रहते हैं। ओके, अभी चलिए एक बात ध्यान में रखिए, प्रायर पीरियड आइटम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पुराने साल के खर्चे हैं वो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होते, सिर्फ करंट ईयर में, ओनली करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज डिडक्शन। मेरा अकाउंटेंट पिछले 3 साल से चोरी करता आ रहा है, कैश दिखाता था कैश इन हैंड, और मैं मान लेता पूरा होगा, बट 3 साल बाद जब मैंने फिजिकल कैश गिना तो मैंने देखा कि कैशियर ने हर साल इतना एम्बेजलमेंट कर दिया है। मुझे करंट ईयर में पता चला ही है, मुझे करंट ईयर में पता चला कि पिछले 3 साल में मेरे कैशियर ने ये कैश एम्बेजलमेंट किया है। मैंने FIR लॉन्च की करंट ईयर में। अब ये खर्चा जो है करंट ईयर में मुझे अलाउ हो जाएगा या नहीं, ये वो कहते हैं ये तो जी प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर है, बट कोर्ट्स ने कहा कि एम्बेजलमेंट डिस्कवर करंट ईयर में हुई है एंड देयरफॉर इसको हम करंट ईयर का खर्चा मानेंगे, इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम एंड देयरफॉर इट्स अलाउबल एज डिडक्शन। यानी कैश एम्बेजलमेंट का लॉस कब अलाउ होगा, जिस साल में कैश एम्बेजलमेंट आप डिस्कवर करते हैं, पकड़ते हैं। दिनेश बेंस लिमिटेड, असेसी के अकाउंट्स क्लर्क ने इतना कैश मिस अप्रोप्रिएट किया डिफरेंट ईयर्स में, द सैड री एम्बेजलमेंट वॉज डिस्कवर्ड इन 31 मार्च 2021। असेसी ने 1340 को लॉस क्लेम किया, जबकि एओ कहता है कि ये प्रायर पीरियड आइटम है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। हेल्ड दैट लॉस ऑन एम्बेजलमेंट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, the deduction for loss on embezzlement shall be allowed in the year in which loss on account of embezzlement is discovered. Therefore, assessee has rightly claimed the loss of 1314 previous year 31st March 21. Bataiye. Sir, cash misappropriate hua hai. Isko sir jab discover hua is current year mein, to Supreme Court ne kaha ki ye allowed hai. High Court ne kaha, sir. But sir, प्रैक्टिकली क्या होगा, मैं FIR लॉन्च करूंगा, जब FIR लॉन्च करूंगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो पुलिस प्रूव करके देगी कि इस साल इतना कैश एम्बेजल हुआ था। कोई भी टीम करे, फॉरेंसिक टीम भी कर सकती है। नेक्स्ट केस लो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ और टॉपिक शुरू करना चाहता हूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस अभी छोड़ देते हैं। पेज 144 पर आइएगा, पॉइंट 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मैंने बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, ये बड़ा मतलब फेवरेट पॉइंट है एग्जामिनर का, सो पॉइंट 6 को इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया आपको। मैंने बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुझे नोटिस दिया गिराने का, मैंने कहा जी गलती हो गई, तो उन्होंने मुझ पर कंपाउंडिंग फीस लगा दी। कहा ठीक है हम नहीं गिराते, हम आपका ऑफेंस कंपाउंड कर देते हैं, आप हमें 10 लाख पे कर दीजिए कंपाउंडिंग फीस। तो जो मैंने कंपाउंडिंग फीस पे की, क्या ये अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये तो आपने म्युनिसिपल लॉस का इंफ्रेक्शन किया है, उसकी पेनल्टी है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन।
So compounding fees paid by the assessee for putting unauthorized construction is not deductible, a very famous question of the examiner, adjustment of the examiner. The assessee, a builder in contravention of provisions of Karnataka Municipal Corporation Act and building regulations, had put up 8th floor in an apartment building without there being a sanctioned plan. The competent authority of the town planning, on a request made by the assessee, permitted it to compound the offense by payment of compoundment fees, fine. The assessee accordingly paid compounding fine and claimed the same as business expenditure under 37(1), held that claim for deduction made by the assessee should be considered in light of explanation to section 37(1) and not with reference to the Corporation Act. Therefore, assessee was not entitled to deduction as claimed by him. Clear hai? Another important issue. इसे एक्चुअल कॉस्ट में भी ऐड नहीं करेंगे तो पेनल्टी के नेचर में है, ये तो पेनल्टी की नेचर है, इट विल नॉट बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट आल्सो। पॉइंट 7 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए तो देखिए, मेरे 5 बिजनेस हैं ए बी सी डी ई, इन 2 बिजनेस में लॉस आ रहा है, इनको मैं बंद कर देता हूं और स्टाफ को बाहर निकालकर उनको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देता हूं। एओ कहता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया आपने बिजनेस क्लोज करने पर, आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होता है जो आप बिजनेस के दौरान कर रहे हैं, ये तो बिजनेस के बंद होने पे कर रहे हैं, इसलिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। व्हाट इज योर व्यू? एक ही असेसी है, 5 बिजनेस कर रहा है, कोर्ट्स का कंसिस्टेंट व्यू है कि अगर असेसी सारे बिजनेस बंद कर देता है फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देता है, फिर तो क्लोजर ऑफ बिजनेस पर दे रहा है, एंड देयरफॉर दैट्स नॉट एन एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस टू बी डिसअलाउड। बट असेसी के अगर 3-4 बिजनेस है, 1-2 बिजनेस बंद कर रहा है, उसके लिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे रहा है, तो उसने बिजनेस थोड़ी बंद किया है, वो ये 2 बिजनेस क्यों बंद कर रहा है? ताकि उससे लॉसेस आने कम हो जाए, बाकी बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, एंड देयरफॉर जहां आप कुछ बिजनेस बंद करते हैं, सारे बिजनेस बंद नहीं करते, और कुछ बिजनेस बंद करने पर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देते हैं, दैट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर 37(1). पॉइंट 7 भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, द असेसी ओन्ड 10 डिफरेंट यूनिट्स इन द सेम बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग कैश्यू नट्स, ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम्स द असेसी क्लोज ऑन 4 यूनिट्स एंड इन द प्रोसेस इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन एडिशनल वेजेस। The EO did not allow the assessee's claim for deduction of additional wages paid to the retrenched staff under 37(1). Supreme Court ne kaha the 10 units by the assessee, run by the assessee, constitute single business. It was for the assessee to decide how he would conduct his business, and for the purpose of continuing his business, he had to reduce the number of units from 10 to 6. So any incidental expenditure incurred in reducing those units was an expenditure in the course of conducting the business and was therefore allowable as expenditure under 37(1). Retrenchment compensation के लिए कोई section नहीं है, वो 37(1) में अलाउ किया आपको।
सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, हाँ लॉ में कहीं नहीं है, जजमेंट्स में रहे, जजमेंट्स है। सारी आपको एक और दिखा दूं, जजमेंट नाइन्थ हम जजमेंट कर चुके हैं। नाइन्थ जजमेंट क्या था कि असेसी स्कूल को कुछ पेमेंट देता है और उस स्कूल में असेसी के बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी असेसी के एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, उनको कंसेशनल एजुकेशन दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट कवर्ड इन 49। ये माना जाएगा कि एक तरह से क्या है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर है। पेज 148, जजमेंट 15, आपने पुलिस को और गुंडास को पेमेंट किए है, जो गुंडे होते हैं उनको पेमेंट किए है ताकि आपका सिनेमा हॉल सही तरह से चल सके। वहां गुंडे आके डिस्टर्बेंस करते थे, उनको पेमेंट दी, पुलिस वालों को हफ्ता दिया, तो क्या वो अलाउड इज डिडक्शन है? दैट्स डिसअलाउड एज इलीगल पेमेंट। जो आप पूछ रहे थे जजमेंट नंबर 8, अच्छा पहले 17 देखिए, 17 द अमाउंट इज द अमाउंट पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी एज रेगुलराइजेशन फीस फॉर वॉयलेटिंग द बिल्डिंग बायलॉज अलाउबल एज डिडक्शन। नो, सेम जजमेंट अभी हमने पढ़ा था। द अमाउंट पेड टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज ऑब्वियसली अ पेनल्टी and thus does not qualify for deduction under section 37. Merely describing the payment as compounding fee would not alter the character of the payment. It is actual character of the payment and not its nomenclature which decides whether such expenditure is deductible or not. DCM Limited. आपको शायद मालूम हो ये डेली क्लॉथ मिल है, DCM। नाम सुना होगा अपने, DCM नहीं, अपने फादर से पूछिएगा, उनके जमाने में तो दो ही कंपनी चलती थी, DCM और बॉम्बे डाइंग। सो डेली क्लॉथ मिल, दिल्ली में इनकी फैक्ट्रियां थी, मिल्स थी जो क्लॉथ प्रोड्यूस करती थी। तो उन मिल्स में कुछ लॉसेस हो रहे थे, इन्होंने कुछ मिल्स बंद की और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दी वर्कर्स को, सेम इशू। इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ वन ऑफ द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द एसएससी रेवेन्यू नेचर। इन दिस केस द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर्स ऑन क्लोजर ऑफ टेक्सटाइल यूनिट is treated as revenue expenditure since after the closure of unit the remaining business continued and there was interconnection in the functioning of the different units. Therefore it follows that if the payment is made, compensation is paid to workers, jo aap puchhte the na, on closure of the entire business, agar pura business band karte hain, ise unwind kariye, therefore it follows that if compensation is paid to workers on the closure of the entire business, the same would be a capital expenditure not deductible. Next page. In this case, one of the unit was closed. The retrenchment compensation interest on money is borrowed for paying the retrenchment compensation is allowable as deduction. Point 19. Same judgment. Same judgment. एक कंपनी ने क्लब की corporate membership fees, corporate membership ली, एक कंपनी ने, आज देखिए गोल्फ क्लब होते हैं, गोल्फ क्लब में आपने सुना होगा सारे रिच लोग जाते हैं,
कंपनी क्या करती है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए एक गोल्फ क्लब की मेंबरशिप लेती है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। और कॉर्पोरेट मेंबरशिप में कोई भी 5 डायरेक्टर जा सकते हैं, 5 हाई पेड एम्प्लॉयज डायरेक्टर जा सकते हैं। और कॉर्पोरेट मेंबरशिप इस कॉर्पोरेट मेंबरशिप 6 साल की मिलती है। और कंपनी मान लीजिए 60 लाख पे करती है टू गेट दिस कॉर्पोरेट मेंबरशिप फॉर 6 ईयर्स, इशू क्या होगा? एओ क्या कह रहा होगा कि 1 इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 अलाउ भी करूंगा तो कितनी अलाउ करूंगा, 60 लाख डिवाइडेड बाय 6। बट कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स में कंसेप्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड एज पर कोर्ट ये तो आपने बिजनेस एक्सपीडियंसी के लिए खर्चा किया है, एंड देयरफॉर द एंटायर फीस इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर 1। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस पेड टू द गोल्फ क्लब कंसीडरिंग दैट द मेंबरशिप वॉज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर? The court observed that though the payment of membership fees results in obtaining the club membership for a period beyond the year of payment, but the benefit remains in the revenue nature and not in the capital nature. By such membership, the privileges to use the facilities of the club alone are conferred on the assessee, and that too for a limited period. Such expenses are incurred for running the business with a view to provide benefits to the assessee. Also, such membership does not bring into existence an asset or advantage for enduring benefit to the business, and therefore, the High Court held that subscribing to membership of a club for a limited period, no capital asset is created or comes into existence, and consequently, this is not capital in nature, and therefore, it's allowable as revenue expenditure under 37(1). ये इसलिए करा रहा हूं, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 1 या 2 एडजस्टमेंट्स इनमें से आ जाती है। अभी 1 क्लास और हो जाए हमारी, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, फिर क्लास में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये तो कोर्ट ने बोला है, प्लीज देखिए, कोई एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल है या नहीं हमारे कहने से अलाउ नहीं होगा, ये तो कोर्ट जजमेंट्स होती है। एग्जामिनर भी कोर्ट जजमेंट्स आपसे पूछता है। एंड द लास्ट थिंग इन दिस इज पेज 150, क्वेश्चन नंबर 22। मैंने अपने बिल्डिंग के बाहर ये नियॉन साइंस साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं वीजी लर्निंग के, और एक साइन बोर्ड 5 लाख का बनता है, उसमें लाइट जलती है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। अब जो मैंने ये साइन बोर्ड्स बनवाए, क्या मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी मुझे, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल होना चाहिए, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रैक्टिकली मुझे मालूम है, आज अगर तेज बारिश होती है, तेज हवा चलती है, तो वीजी लर्निंग के आधे अल्फाबेट्स जलने बंद हो जाते हैं। बहुत तेज बारिश आई तो पानी सर्किट में घुस गया, सर्किट खराब हो गया। और जो साइन बोर्ड वाला है वो कहता जी मैं पूरा साइन बोर्ड खोलूंगा, मैं तो 50,000 की लेबर लूंगा। एंड देयरफॉर कोर्ट ने कहा इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ग्लो साइन बोर्ड्स डिस्प्लेड एट डीलर आउटलेट्स कैपिटल और रेवेन्यू नेचर? द दिल्ली हाई कोर्ट नोटेड दैट द एक्सपेंडिचर incurred by the assessee glow sign boards does not bring into existence an asset or advantage of enduring benefit for the assessee.
द ग्लो साइनबोर्ड इज नॉट एन एसेट ऑफ परमानेंट नेचर, इट इज अ शॉर्ट लाइफ. द मेटीरियल यूज इन ग्लो साइनबोर्ड्स डिके विद द इफेक्ट ऑफ वेदर, देयरफॉर इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट. कॉन्सिक्वेंटली द असेसी हैज टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन ग्लो साइनबोर्ड्स रेगुलरली ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर. इवन आई फेस द सेम प्रॉब्लम. अभी भी आप देखेंगे वीजी लर्निंग के एक दो अल्फाबेट्स बंद पड़े होंगे. अभी परसों बारिश हुई थी. द असेसी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन ग्लो साइन बोर्ड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द बिजनेस ऑपरेशंस एंड नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर. द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट सच एक्सपेंडिचर ऑन ग्लो साइन बोर्ड्स इज रेवेन्यू इन नेचर. Before I close this chapter, कुछ जनरल बातें करते हैं, आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी. कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट है प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स. बताइए इनकम टैक्स में यह अलाउड है या नहीं? अलाउड नहीं है. बिकॉज प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स बेसिकली क्या है? एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़ी है. यह तो मेरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है. इनकम टैक्स में आप इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड. अच्छा एक मिनट. So, डेफर टैक्स लॉस की प्रोविजन है. अगर डेफर टैक्स की प्रोविजन है डेबिट में, इनकम निकालते वक्त एड बैक कर देंगे. अगर डेफर टैक्स मेरा क्रेडिट साइड पर आ रहा, फिर क्या करेंगे? लेस कर देंगे. इनकम का पार्ट नहीं है. इनकम टैक्स में इंपेयरमेंट लॉस आप बुक करते हैं, एसेट बेकार हो गया तो कौन सा एस होता है आपका? एस 36 कह रहे हम इंडिया से. क्या ये कह रहे हैं? इंड एस 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जाता है. इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगी? हम तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट में ऑपरेट करते हैं. और अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट नहीं भी है तो इनकम टैक्स में इंपेयरमेंट लॉस अलाउ नहीं होता. वो तो जब एसेट बेचेंगे तो लॉस अंडर द हेड कैप गेन होगा आपको. सो इंपेयरमेंट लॉस अगर आपने बुक किया है, लिखे मत कुछ भी, आगे लिखा मिल जाएगा सर आपको. तो जहां मुझे मालूम है आपको नहीं लिखना बता दूंगा, न मत लिखिए. सो इंपेयरमेंट लॉस एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है, बट इनकम टैक्स में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. इनकम टैक्स रिटर्न बनाते वक्त उसे हम क्या करेंगे? एडबैक करेंगे. डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट आप प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है. आपने, आपकी एक 100% सब्सिडी कंपनी है, उसको लॉस हो गया है, उस लॉस की आपने प्रोविजन कर दी होल्डिंग कंपनी के बुक्स में. आपने सब्सिडी कंपनी को लॉस हुआ, उस लॉस की प्रोविजन कर दी होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी क्या करेंगे? बिकॉज इनकम टैक्स में होल्डिंग सब्सिडी अलग अलग कंपनी है, सब्सिडी का लॉस सब्सिडी कैरी फॉरवर्ड करेगी, सेट ऑफ करेगी. एंड देयरफॉर सब्सिडी का लॉस अगर मैंने प्रोवाइड किया होल्डिंग की बुक्स में, उसे एड बैक कर देंगे. पेज 151 अलाउबिलिटी ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस डिविडेंड. बताइए डिविडेंड मेरा एक्सपेंस अलाउ होता है या नहीं? नो.
डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. वो कंपनी जो डिविडेंड बांटती है, इट इज नॉट अलाउेबल एज एक्सपेंस. चाहे इक्विटी डिविडेंड हो या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हो, दोनों डिसअलाउ किए जाते हैं. सो डिविडेंड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया है. अब इनकम टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स एज पर AS 22 इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स एज पर AS 13 AS 28 इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. मैं 31 मार्च को प्रोविजंस करता हूं, सैलरी की प्रोविजन करता हूं, बिजली के बिल नहीं आए होते उसकी प्रोविजन करता हूं, ट्रैवलिंग के बिल्स नहीं आए उनकी प्रोविजन करता हूं, क्या वो प्रोविजंस मुझे अलाउ हो जाती है? क्यों नहीं होंगी? होंगी डेफिनेटली. अगर मैं एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो जो मैं 31 मार्च को प्रोविजन करता हूं ऑडिट फीस की, एक्सपेंसेस की, वो अलाउ हो जाएंगी. प्रोवाइडेड अ सर्टेन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, बट अगर लायबिलिटी असर्टेन नहीं है, अनअसर्टेन है, उसके लिए प्रोविजन कर दी, डेट इज टू बी डिसअलाउड. पॉइंट 6, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. 7, पहले 8 देख लीजिए. 8 नहीं, अगर मैं जुलाई मार्च में सैलरी की प्रोविजन डालता हूं तो कैसे डालता हूं? एक्चुअल सैलरी लेकर डालता हूं. और प्रैक्टिकली भी मेरी प्रोविजंस 31 मार्च को नहीं बनती हैं, प्रैक्टिकली मैं अप्रैल के महीने में बैठ के बनाता हूं, उसमें डेट 31 मार्च डालता हूं एंट्री की. आपने सैलरी परकोजेट्स पे किए डायरेक्टर्स को, अलाउड एज डिडक्शन और नॉट? यस, बट कम, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 48(2), सब्जेक्ट टू सेक्शन 48(2), जो कंपनीज एक्ट में लिमिट है उससे ज्यादा पे करती है फिर क्या होगा? आपका डिसअलाउ हो जाए. बिकॉज कंपनीज एक्ट कहता है जो आपने ज्यादा पे कर दिया वो आप डायरेक्टर से रिकवर करेंगे. कुछ और आ रहा दिमाग में आपके? नहीं, अगर कंपनीज एक्ट की लिमिट से ज्यादा पे कर दिया मैंने, अगर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली आपको, तो डायरेक्टर को एक्सेस रेमुनरेशन वापस करनी पड़ती है. सो सैलरी परक्विजिट्स पे टू डायरेक्टर्स आर फुली अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 48(2). हाउएवर द सैलरी पे टू डायरेक्टर एक्सीड्स द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट देन सच एक्सेस सैलरी विल बी डिसअलाउड. प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड. प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड. पर ये तो देखिए, मैं एक बिल्डिंग में टेनेंट हूं, मैं एक बिल्डिंग में टेनेंट हूं, 1,000 रुपीज पर मंथ रेंट पे कर रहा हूं, बिजनेस करता हूं इस बिल्डिंग में. लैंडलॉर्ड ने मेरे अगेंस्ट 2010 में केस डाला था कि या तो मैं बिल्डिंग खाली करूं या रेंट बढ़ाया जाए. केस इंडियन कोर्ट्स में लंबा चलता है. 2021 में आके कोर्ट ने डिसाइड किया कि रेंट बहुत कम था और रेंट आपका होना चाहिए 10,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2010. अब मुझे करंट ईयर में यह सारा रेंट पे करना पड़ेगा पिछले 10 साल का. क्या मुझे यह एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा. कोर्ट्स ने कहा कि अगर एक्सपेंस की लायबिलिटी करंट ईयर में
क्रिस्टलाइज कर रही है। अगर एक्सपेंस की लायबिलिटी करंट ईयर में क्रिस्टलाइज करती है से बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, तो उस एक्सपेंस को हम प्रायर पीरियड आइटम नहीं मानेंगे एंड दैट इज फुली अलाउड इज डिडक्शन इन द करंट ईयर। इनका क्वेश्चन है, मैं आंसर, चलिए आंसर करके छोड़ देता हूं, लॉजिक नहीं बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रेवलिंग का मार्च का प्रोविजन 190 कर दिया, दो लाख कर दिया और सपोज अलाउ हो गया। नेक्स्ट ईयर जब मैंने पेमेंट की 190 की, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक सेक्शन पढ़ेंगे 41(1) जहां 10,000 आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम बन जाएगी, रेमिशन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, वहां इनकम बना देंगे 10,000 रुपया। पॉइंट 7 देखिएगा, प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउबल एज डिडक्शन बट दे आर अलाउबल इफ द लायबिलिटी क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आपको पे कमीशन की रिपोर्ट आने की वजह से 3 साल की सैलरी बढ़ा के देनी पड़ रही है, सो लायबिलिटी टू पे एनहेंस सैलरी क्रिस्टलाइज बिकॉज ऑफ द पे कमीशन रिपोर्ट कमिंग इन द करेंट ईयर। तो आपने देखा इस सेक्शन से आप काफी डेवलप किए होंगे कि किस तरह के एक्सपेंस अलाउ होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है, और ये सारा डिसीजन, मतलब सारा पूछा जाता है आपसे ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजंस ओनली। एग्जामिनर अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो इन्हीं कोर्ट जजमेंट्स में कुछ ना कुछ फैक्ट्स एग्जाम में डाल देता है। क्लियर है? चलिए इस सेक्शन को आप बाद में कर लेंगे, जितना हमने कर लिया काफी है, जो छोड़ दिया बाद में कर लेंगे। कौन सा पेज बोल रहे? पेज 142 जो हेडिंग है फ्रॉम द जुडिशरी। जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, जो पॉइंट नंबर ये पढ़ा हमने पेज 151 पर, जो पढ़ा आपने अलाउबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, ये वेल सेटल्ड लॉ है। सेक्शन 36 ऑन पेज 114, सर्टेन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 36। एक बात बताइए, मैंने 1 जनवरी 2022 को एक सेल की रिप्यूटेड कंपनी टाटा स्टील को, एंट्री डाली टाटा स्टील डेबिट 3 लाख टू सेल्स 3 लाख। मान लीजिए मैंने टाटा स्टील को टाइम दिया 6 मंथ्स का, यानी 30th जून 22 तक टाइम दिया है पेमेंट करने के लिए, यानी 6 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया है। अब मैं क्या करता हूं, 31 मार्च 22 को एंट्री डालता हूं, बैड डेट डेबिट 3 लाख टू टाटा स्टील
3 लाख। बताइए मुझे ये बैड डेट की डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं, बताइए। सो आप में से हर कोई कह रहा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेटर बैड हुआ ही नहीं है, डेटर ने पे करने से मना नहीं किया है और डेटर को 6 मंथ्स का टाइम दिया गया था फॉर पेमेंट। बट द करेक्ट आंसर इज बैड डेट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बैड डेट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। देखिए क्या था, पहले असेसमेंट ईयर 88-89 तक लॉ ये हुआ करता था कि आप प्रूव करिए, असेसी प्रूव करेगा डेट डेटर हैज बिकम बैड। ये कंडीशन 1489 से डिलीट कर दी गई। क्यों डिलीट की गई, रीजन सुनिए। पहले क्या होता था कि डेटर ने सपोज पैसा देने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड कि गुड्स डिफेक्टिव है, उसने एक लेटर लिख दिया असेसी को कि मैं पैसा नहीं दूंगा, गुड्स डिफेक्टिव है। अब असेसी से बैड डेट क्लेम करता था तो एओ कहता था जी आपके राइट ऑफ करने से या लेटर के बेसिस पर डेटर बैड थोड़ी हो गया, आप कोर्ट में केस डालिए, पहले केस हारिए, जब कोर्ट कहेगा पैसा नहीं देना तब हम अलाउ करेंगे। असेसी सेशन कोर्ट में केस डालता था अगेंस्ट द डेटर और सेशन कोर्ट बोलते थे कि यस गुड्स डिफेक्टिव थी, इसलिए डेटर यानी टाटा स्टील असेसी को पैसा नहीं देगा। अब असेसी एओ के पास जाता था जी मैं सेशन कोर्ट से हार गया, मुझे अलाउ करिए। एओ कहता था जी आगे अपील करिए, आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से पहले केस हारिए। और जब मैं हाई कोर्ट में जाता था वहां केस हार जाता था तो एओ कहता था आप सुप्रीम कोर्ट से केस हार के आइए। तो पहले जबरदस्त लिटिगेशन होती थी इस बात पर कि प्रूव करिए डेट हैज बिकम बैड, एंड देयरफॉर 1489 से ये कंडीशन हटा दी गई, 1489 से कंडीशन हटा दी गई, यानी अब आपको प्रूव नहीं करना कि डेटर हैज बिकम बैड। सिंपली 2 कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल कर लीजिए, और अगर आप प्रूव नहीं भी करते कि डेटर हैज बिकम बैड, डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये अमेंडमेंट आने के बाद भी एओज नहीं मान रहे थे, एओज कहते थे अमेंडमेंट आ गई तब भी असेसी को प्रूव करना पड़ेगा कि डेटर हैज बिकम बैड। तो केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया, तो नाउ दिस डिडक्शन विल बी अलाउड टू यू, आपको प्रूव नहीं करना कि डेटर हैज बिकम बैड। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एओज लॉ ध्यान से देखिए, लॉ 1489 से चेंज हो चुका है, डेटर बैड हो गया असेसी प्रूव नहीं करेगा। सो टीआरएफ लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने बात अफर्म कर दी, पेज 124 जजमेंट 4 फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, पेज 124 टीआरएफ लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया आफ्टर 1489 इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द असेसी टू एस्टैब्लिश दैट द डेट इनफैक्ट हैज बिकम इररिकवरेबल, इट इज इनफ इफ बैड डेट इज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स ऑफ द असेसी। वापिस आइए,
पेज 121 बैड डेट. अ बैड डेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. वन, द बैड डेट इज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम. राइट ऑफ करना है. सेकेंड कंडीशन सुन लीजिए प्लीज. सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि जो डेटर है, सुन लीजिए प्लीज, जो डेटर है इट शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट. द डेटर शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड और एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर. सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं कि जो डेटर है इट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक मिनट कि पास द अकाउंटिंग एंट्री बाय विच डेटर वॉज क्रिएटेड. आप जिस एंट्री से डेटर बना था उसकी अकाउंटिंग एंट्री बना लीजिए. अगर उस एंट्री का क्रेडिट कहां गया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया है. देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. डेटर टू सेल्स, सेल्स हैज गॉन टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सो सेकंड कंडीशन क्या है? The debt should have been taken into account in computing the income of the assessee of the previous year, जिसमें deduction claim की है, और any earlier previous year. यहां पर star लगाइए. Second condition पर जो पहला है ना, the debt, यहां पर star लगाइए. और यहीं पर लाइन से ऊपर लिख लीजिए टेस्ट. यहां लिख लीजिए टेस्ट. पास द अकाउंटिंग एंट्री बाय विच डेटर वॉज क्रिएटेड. पास द अकाउंटिंग एंट्री by which the debtor was created if the credit of the entry has gone to where profit and loss account then this condition is satisfied. Then this condition is satisfied. आपका नाम? जश्न. तो जस्ट जब मैं लास्ट टाइम वो करा रहा था ना, कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज कंप्लीशन वगैरह, तब आपने क्वेश्चन रेज किया था. मैंने कहा था नेक्स्ट लास्ट में आंसर करूंगा, वो अभी शॉर्टली आंसर करेंगे. तो ये क्वेश्चन क्या रेज कर रहे थे अभी देखेंगे. और इनका मैंने क्वेश्चन लिया नहीं था, बट मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है और शायद इस सेक्शन को दिखा के कहा था बाद में कर लेंगे. टुडे इज द राइट टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन. चलते हैं. तो पहली कंडीशन क्या है? बैड डेट क्लेम करने की, राइट ऑफ करना है, ऐसे रिकवरेबल. दूसरी कंडीशन क्या है? कि क्रेडिट एंट्री ऑफ द डेटर शुड हैव गॉन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. मेरा बिजनेस है लोन्स देने का. बैंकिंग बिजनेस में भी लोन होते हैं. जो पीएनबी है, एसबीआई क्या करती है? लोन्स का बिजनेस करती है. तो
अगर मैं लेंडिंग के बिजनेस में हूं, लोन देता हूं, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है? मैंने लोन दिया, एंट्री क्या डालूंगा? बिजनेस लोन डेबिट टू बैंक, क्या ये एंट्री सेटिस्फाई हुई? नो, क्रेडिट हैज नॉट गॉन टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यानी मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब आप कंडीशन टू पूरी पढ़िएगा। द डेट शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द सेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड और एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर और को एनसर्कल कर दीजिए। यानी अगर आप बैंकिंग के बिजनेस में, मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, तो और वाली बात जो कंडीशन है वो लगेगी। और द डेट रिप्रेजेंट्स द मनी लेंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग और बैंकिंग कैरिड ऑन बाय द सेसी। क्लियर है? अभी मैं आपको एक सेक्शन 40A4 सेक्शन 37 कर रहे थे, 37 इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वहां चाहिए एक मिनट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये रहा, ये मैंने एंट्री लिखवाई थी आपको, यहां बैड डेट मुझे अलाउ क्यों नहीं हो रहा? राइट ऑफ तो कर दिया है मैंने, इस केस में इंडियन कौन सा पेज है हमारा 140, सो पेज 140 पर हमने इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, वहां हमने कहा था बैड डेट अलाउ नहीं होगा। बैड डेट कौन है मेरा? फॉरेन कोलैबोरेटर। क्यों अलाउ नहीं हो रहा? ये देखिए एंट्री जैसे डेटर बना था, डेटर जैसे बना था वो ये एंट्री थी। तो सेकंड कंडीशन क्या है मेरी? द डेटर शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द सेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन टू यू। क्लियर हो रहा है आपको? आपके माइंड में बातें आ रही होंगी कि टैक्स प्लानिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, टैक्स प्लानिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे प्रॉफिट्स अगर 10 करोड़ के आ रहे हैं, मैं क्या करता हूं? बैड डेट रिटर्न ऑफ टू डेटर ABC 11 करोड़ ईच, ये डेटर्स राइट ऑफ कर देता हूं। एटलीस्ट मेरा करंट अगर प्रॉफिट 3 करोड़ से कम हो गया, आप कहेंगे नेक्स्ट ईयर रिकवरी होगी, टैक्सेबल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर देख लूंगा, मैं तो करंट ईयर के टैक्स बचाने की बात कर रहा हूं। बताइए प्लानिंग में कर सकता हूं या नहीं? कभी नहीं करेगा कोई, कभी नहीं करेगा। अगर ये असेसी आप हैं, अगर असेसी आप हैं और डेटर मैं हूं, डेटर मैं हूं और मैं शुद्ध हिंदुस्तानी हूं, प्योर इंडियन ब्लड है मुझ में, मुझे अगर पता चला कि आपने मुझे राइट ऑफ कर दिया है, अब पैसे आपको दूंगा ही नहीं, अब पैसे नहीं दूंगा आपको मैं, अब मैं मिस्टर हूं, आप जाइए कोर्ट में, मैं कोर्ट से कहूंगा इनकी बैलेंस शीट मंगाइए सर, जज से बोलूंगा इनकी बैलेंस शीट मंगाइए, बैलेंस शीट में इन्होंने खुद कहा है कि बेटर मतलब डेटर राइट ऑफ किया है, यानी इन्होंने खुद माना था गुड्स डिफेक्टिव है, इसे राइट ऑफ कर दिया था। जब इनके हिसाब से लेनदारी बनती नहीं है तो क्यों सूट फाइल करेंगे मेरे अगेंस्ट? ये नहीं देता मैं पैसा। जब कोर्ट भी कहेंगे जब असेसी के बुक्स कह रही है नहीं देना, तो क्यों रिकवरी मांग रहे हैं आप? तो 25% टैक्स तो बचा गए, बट 1 करोड़ लूज हो गया आपका। कोई ये प्लानिंग नहीं करता। आप कहेंगे एक को कैसे पता चलेगा कि ऐसा राइट ऑफ किया गया है? आपका अकाउंटेंट आके मुझे बता देगा,
उसे 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा, 1,00,000 आप पूरे साल की सैलरी देते हैं उसे। सब कुछ करेंगे प्लीज, लॉ समझ लें पहले, फिर हेरा फेरी कर लेंगे। सो लॉ समझ लें। देखिए इतना बड़ा लॉ है ये कि अभी हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है और मुझे अभी नेक्स्ट वीक के बाद देखिए हश अप करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा भैया खत्म करते मॉड्यूल, मुझे मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू रीच अ सिचुएशन जहां हमें कोर्स का भी ध्यान रखना होता है कि कोर्स भी कंप्लीट करना है हमने। अच्छा बट ये चीजें ऐसी जहां मैं स्किप नहीं कर सकता, इससे भी लॉ आगे बनेगा। तो देखिए कोई भी ये प्लानिंग नहीं करता, बिकॉज जहां डेटर को पता चल गया वो पैसा देगा ही नहीं आपको। अगर मैं ए हूं, आप ऐसी है, मुझे पता चल गया मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा आपको, आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस डालेंगे, मैं जज को बोलूंगा मंगाली जी की बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इन्होंने खुद माना हुआ है कि मुझे पैसा नहीं देना, मुझे राइट ऑफ किया उन्होंने, और जज भी कहेगा जब बुक्स में देनदारी नहीं बनती है, लेनदारी नहीं बनती है, तो कैसे पैसे मांग रहे हैं आप। इसलिए कोई ये प्लानिंग नहीं करता, इसलिए लोगों ने एक तरीका निकाला, लोगों ने एक तरीका निकाला। अगर मैं डेटर को बाय नेम राइट ऑफ करता हूं तो क्या खतरा है मुझे, डेटर को पता चल गया पैसे नहीं देगा। मैं क्या करता हूं, डेटर है, डेटर है ए, 1,51,33,322 रुपए का, अगर मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे पैसा नहीं देगा। मैं क्या करता हूं, एंट्री डालता हूं बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 151,33,322। अब मैं कहता हूं देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जब डेटा बना था मेरी सेल्स को हिट किया था, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है और मैंने राइट ऑफ कर दिया, और डेटर मुझे पैसा देने से मना नहीं कर सकता बिकॉज मैंने उसके नाम से राइट ऑफ नहीं किया, प्लानिंग कर गया, लोगों ने करना शुरू किया। लॉ मेकर्स इमीडिएटली अमेंडमेंट लेके आए 1489 से, लॉ मेकर्स ने 1489 से अमेंडमेंट की कि अगर आपको डेटर राइट ऑफ करना है तो उसके नाम से राइट ऑफ करेंगे, अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के थ्रू राइट ऑफ किया है तो उसे हम राइट ऑफ नहीं मानेंगे। यानी राइट ऑफ करें तो कैसे राइट ऑफ करिए, बाय नेम राइट ऑफ करिए। तो असेसी ने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं इस तरह एंट्री डालनी शुरू कर देता हूं, कंडीशन 1 डेटर राइट ऑफ हो गया, सेटिस्फाई हो गई, नाम मैंने लिखा नहीं तो डेटर पे करने से मना नहीं कर सकता, एंड लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट की कि अगर ऐसा करेंगे तो हम बैड डेट अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने बैड डेट क्लेम करना है तो डेटा को राइट ऑफ करिए बाय हिज नेम, पेज 122 एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देयर इज नो सॉरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एनी बैड डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स ऑफ द असेसी शैल नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स मेड इन द अकाउंट्स ऑफ द असेसी। यहां स्टार लगा के ऊपर लिख लीजिए, क्या यहीं पर लिख सकते हैं आप, या स्टार लगा के लीजिए, स्टार लगा लीजिए ऊपर लिख लीजिए। इफ बैड डेट अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रोविजन फॉर
bad and doubtful doubt, doubtful debts is credited. Then this shall not be treated as what? Written off by the assessee. If bad debt account is debited and provision for bad and doubtful debt is credited, then this shall not be treated as written off by the assessee. The debtor must be written off by name. ठीक है, एनालिसिस का पॉइंट वन का पहली लाइन अंडरलाइन करिए. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश दैट डेट और पार्ट देयर ऑफ हैज बिकम बैड. आगे सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है. सिर्फ कंडीशन यह है कि आपको बैड डेट को राइट ऑफ करना है, और दूसरी कंडीशन है कि डेट must have been taken into account in computing the income of the previous year in which deduction is claimed or any earlier previous year. Point two. इधर देखिए, मैंने raw material purchase करने के लिए 1 lakh का एडवांस दिया. मैंने raw material purchase करने के लिए 1 lakh का एडवांस दिया. सप्लायर bankrupt हो गया. सप्लायर bankrupt हो गया, उसने मेरा एडवांस मार लिया. एडवांस वापस नहीं हो रहा, इसलिए मैं राइट ऑफ कर देता हूं. कैन इट बी क्लेम्ड एज बैड डेट? एंट्री डालिए ना. जब मैंने एडवांस दिया सप्लायर को, एडवांस टू सप्लायर डेबिट टू बैंक, द सेकेंड कंडीशन ऑफ बैड डेट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो 36(1)(7) में डिडक्शन नहीं मिलेगी मुझे. But I will get the deduction under section 37(1) because मेरा personal expenditure नहीं है, capital expenditure नहीं है, business के course में है. So point number two फटाफट पढ़ लीजिए, यही वाला है. Point number two. हमने बताइए, इंडियन एल्यूमिनियम के केस में असेसी को 37(1) में अलाउ क्यों नहीं किया था? बिकॉज ये जो पेमेंट किया असेसी ने, क्यों पेमेंट की थी? बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. सो एनीथिंग कंसर्निंग द डिफॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. क्लियर है? तो जब हम जो कर रहे थे ना परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, तब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं आंसर नहीं कर पाया था. क्वेश्चन बता दूं क्या है. क्वेश्चन इनका ये था कि मुझे 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला. मैंने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पर मेरा 40% प्रोजेक्ट हो गया है, इसलिए मुझे 4 करोड़ रिकॉग्नाइज करना पड़ा इनकम टैक्स एक्ट में इनकम.
लेट से प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 की, क्या यह पॉसिबल है कि मैं कंपनीज एक्ट में इसे इनकम रिकॉग्नाइज ना करूं? कंपनीज एक्ट में आज भी आप कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहा हूं, बट इनकम टैक्स में कंपलसरी हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, कि मुझे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 4 करोड़ की इनकम रिकॉग्नाइज कर ली। ठीक, अब 31 मार्च 21 में कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है आपने सारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पॉइल कर दिया है, प्रोजेक्ट स्पॉइल कर दिया है, कुछ भी काम सही नहीं किया, और अब मैं आपको इस 4 करोड़ में से 1 पैसा नहीं दूंगा, या फिर इस 4 करोड़ में से आपको 1 करोड़ दूंगा। यानी चलिए वो कहता है कुछ नहीं दूंगा, तो अब 4 करोड़ मेरे बैड डेट हो गए, 4 करोड़ मेरे बैड डेट हो गए। मैं बैड डेट क्लेम करूंगा बट कर नहीं पाऊंगा। 36.17 पढ़ा आपने, मेरी सेकेंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड है बट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट ऑफ कर ही नहीं सकता, मैंने बुक्स भी दिखाई नहीं है। आई थिंक यही क्वेश्चन पूछे थे आप लास्ट टाइम, आपका रिटेंशन मनी पे था, रिटेंशन मनी वो भी ले लेते हैं, सिमिलर कंसेप्ट। तो दिक्कत आ रही है कि मैंने बुक्स में 4 करोड़ रिकॉग्नाइज नहीं किया बट इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया बिकॉज ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। नेक्स्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट ये है वो कहते मैं पैसा दूंगा ही नहीं आपको, सारा प्रोजेक्ट मेरा खराब कर दिया आपने। अब मैं बैड डेट इसलिए क्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बैड डेट की जो पहली कंडीशन है राइट ऑफ इन द बुक्स वो फॉलो नहीं हो सकती, डेट रही नहीं बुक्स में। आ रहा सुन में, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह भी था। हाँ, 1 मिनट। सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज मैंने 100 करोड़ की इनकम दिखा दी, बुक्स में भी दिखा दिया, जो आपका क्वेश्चन था वो रेस कर रहा हूं मैं। तो इनका क्वेश्चन ये था कि बुक्स में भी 100 करोड़ की इनकम दिखा दी, इनकम टैक्स में भी 100 करोड़ की इनकम दिखा दी, और 20 करोड़ उसने रिटेंशन मनी रख लिया कॉन्ट्रैक्टी ने। हमने जो अमेंडमेंट पढ़ी थी कि रिटेंशन मनी इनकम का पार्ट बनेगा, अब मेरी इस साल की इनकम 100 करोड़ हो गई, रिटेंशन मनी वो कहता है 2 साल बाद रिलीज करूंगा मैं, यानी 80 करोड़ दे दिया उसने मुझे, 20 करोड़ नहीं दिया, 2 साल बाद रिटेंशन मनी देने से मना कर देता है, कहता प्रोजेक्ट बेकार किया आपने, क्रैक्स आ गए इसमें। अब आप खुद आंसर कर लीजिए अपना क्वेश्चन, खुद आंसर कर लीजिए। मैंने बुक्स में 100 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, इनकम टैक्स में 100 करोड़ दिखा दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने 20 करोड़ मेरा रिटेंशन मनी रोक लिया था, बट मुझे इनकम टैक्स में इनकम दिखानी पड़ी बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन जो कहता है कि रिटेंशन मनी इनकम मानी जाती है। अब 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है जी प्रोजेक्ट में वो आ गई क्रैक्स, रिटेंशन मनी नहीं दूंगा, फोरफीट कर रहा हूं मैं। करिए कोशिश ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट ही, अब बताइए बैड डेट की डिडक्शन मुझे मिल जाएगी या नहीं? मिल जाएगी। डेट को मैंने इनकम निकालने के लिए लिया था पहले, नंबर टू राइट ऑफ कर रहा हूं, देयरफॉर बोथ द कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड। आई होप योर क्वेश्चन इज नॉट ड्यूली आंसर्ड। जो सेकंड कंडीशन है वो कहता है कि जो डेटर है उसे आपको टैक्सेबल इनकम निकालने में आपने लिया होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? मैं आपसे बात कर रहा था
अब ये वाली, मैंने लास्ट ईयर 4 करोड़ का रेवेन्यू इनकम टैक्स में दिखा दिया था, फॉलोइंग परसेंटेज मुझे फॉलो करना पड़ता था परसेंट कंप्लीशन मेथड, बट मैंने बुक्स में फॉलो करा अभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, वहां बुक्स में रेवेन्यू नहीं दिखाया, और अब कॉन्ट्रैक्ट ही पैसा देने से मना कर देता है करंट ईयर में। अब मेरी सेकंड कंडीशन तो फुलफिल थी, बट फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसलिए मुझे रिडक्शन नहीं मिल पाएगी। बैड डेट में रिडक्शन नहीं मिल पाएगी मुझे, एंड देयरफॉर बैड डेट का सेक्शन चेंज किया गया। सुनिए प्लीज, अमेंडमेंट आई कि अगर आपने बुक्स में रेवेन्यू नहीं दिखाया है, आपने बुक्स में रेवेन्यू नहीं दिखाया है बट आईसीडीएस फॉलो करते हुए आपने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करके इनकम टैक्स रिटर्न में रेवेन्यू दिखा दिया है, आपने बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया कंपनी एक्ट में, बट आईसीडीएस की वजह से आपने इनकम टैक्स रिटर्न में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करते हुए रेवेन्यू दिखा दिया है, और जिससे पैसा लेना था वो लेने से मना कर देता है, देने से मना कर देता है, जिससे आपने पैसा लेना था कॉन्ट्रैक्ट ही पैसा देने से मना कर देता है। तो इस केस में हम आपको बैड डेट अलाउ कर देंगे विदाउट फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन। सिर्फ इस केस में जहां आपने बुक्स में डेटा रिकॉग्नाइज नहीं किया था बिकॉज आप बुक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के बेसिस पर आईसीडीएस के हिसाब से इनकम दिखानी पड़ गई थी, और अब वो डेटा पैसे देने से मना कर देता है। सिंस बुक्स में मैंने दिखाया नहीं है, देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एंड देयरफॉर इस केस में आप बैड डेट क्लेम कर सकते हैं विदाउट राइटिंग ऑफ द डेटर एज बैड डेट, बिकॉज राइट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है। देखिएगा पेज 122 प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ हैज बीन टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द सेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच द अमाउंट ऑफ सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ बिकम्स, एक मिनट, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ हैज बीन टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द सेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच डेट और पार्ट देयर ऑफ बिकम्स इरिकवरेबल ऑफ एन और एन अर्लियर प्रीवियस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर 145(2) विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द अकाउंट। यानी आपने इनकम टैक्स में तो इनकम दिखा दी है आईसीडीएस की वजह से, बट बुक्स में आप अभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बुक्स में आपने डेटा रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द सेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच डेट पार्ट देयर ऑफ बिकम्स इरिकवरेबल और एन अर्लियर प्रीवियस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर 145 विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द अकाउंट्स देन सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ बिकम्स इररिकवरेबल एंड इट शैल बी डीम्ड एट द डेट ऑफ पार्ट देयर ऑफ हैज बीन रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। क्लियर?
सो आपकी क्वेरी जो लास्ट टाइम थी आंसर हो गई। तो देखिए, जब भी मैं क्वेरी डेफर करता हूं, आप देखिएगा एक स्टेज आने के बाद वो क्वेरी आप भूल चुके होंगे बट मुझे याद होती है। प्रोविजो 2:36:17। सो ऊपर ना पढ़कर एनालिसिस से कर लीजिए पॉइंट नंबर 3। इफ असेसी बाय फॉलोइंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू एंड ऑफर सच रेवेन्यू टू टैक्सेशन द रिटर्न ऑफ इनकम विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा कैसे हो सकता है? बुक्स में ही स्टिल फॉलोइंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड एंड सब्सिक्वेंटली इन एनी प्रीवियस ईयर द सेड रेवेन्यू विच हैज बीन ऑफर्ड टू टैक्सेशन बिकम्स इररिकवरेबल देन सच डेट विल बी अलाउड एज डिडक्शन एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट बिकम्स इररिकवरेबल। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ राइटिंग ऑफ द डेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Clear? Yes. It shall be deemed that such debt has been written off as irrecoverable in the accounts of the assessee. This treatment is also in line with ICDS circular. Dekhiye, explaining the Finance Act 15 jaisi amendment aayi. The provisions of ICDS are applicable for computation of income and not for the purpose of maintenance of books of account. There may be cases where income is recognized for computation of taxable income in accordance with provisions of ICDS without recording the same in the books of account, and such income may be required to be reversed in accordance with the provisions of ICDS for claiming the bad debt. The provisions of 36(1)(7) of the Income Tax Act require ki amount aapko write off karna hai. Therefore, reversal of income in accordance with provisions of ICDS may not be allowable on the ground that the same has not been written off accounts as per provisions of 36(1)(7) of the Income Tax Act. In view of this, a provision has been inserted in 36(1)(7) of the Income Tax Act to provide that for claiming deduction under 36(1)(7) of the Income Tax Act, the income which has been recognized as per provisions of ICDS without recording in the books of account and is required to be written off as irrecoverable as per provisions of ICDS, it shall be deemed to be written off as irrecoverable. और अब ICDS का ये जो पोर्शन था ये इनकॉर्पोरेट हो गया है सेक्शन 43CB में, जो हमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां 43CB में ICDS को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। क्लियर हो रहा है? Any questions you have, please? नहीं, सिर्फ यही केस है जहां आप बुक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, इनकम टैक्स में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, उस केस में प्रोविजन ऑपरेट करेंगे आप, नो अदर केस। देखिए एक मिनट क्या हुआ, देखिए ICDSI इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आए, कुछ कोर्ट्स ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि ICDS अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अरुण जेटली ने क्या किया, 2018 में सभी सेक्शंस में या तो नए सेक्शन बना दिए, ICDS कॉपी कर दिए वहां पर, या फिर जैसे आपने वो किया था ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस 43A के बाद हमने एक सेक्शन किया था 43AA या AA, जहां लिखा था कि बाकी सारी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस विल बी डेल्ट विद एज पर ICDS। तो इस तरह से अरुण जेटली ने ICDS को जगह जगह इनकम टैक्स का पार्ट बना दिया। सो
आईसीडीएस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, इसलिए जैसे इसकी जगह आ गया सेक्शन 43 सी बी। सो उसे आप आईसीडीएस बोलिए, सेक्शन 43 सी बोलिए, एक ही बात है। क्लियर है? बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं, बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं। लर्निंग डेस्टिनेशन विद कंटेंट पार्टनर पैकर प्रेजेंट्स द सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोग्राम CMA। बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। कॉन्टैक्ट CMA@VGLDI.com। Who doesn't want to give wings to their career? Please start the class. Page 123 पर आइएगा। एक प्रेडेसेसर था, इसने अपना बिजनेस बेच दिया सक्सेसर को। इसने डेटर इनकर किया था, डेटर इसको ट्रांसफर कर दिया और सक्सेसर जो है डेटर राइट ऑफ कर देता है। डिडक्शन कौन क्लेम कर रहा है? सक्सेसर। एओ ने डिडक्शन देने से मना कर दिया बैड डेट की। किस ग्राउंड पर? ये कह रहे हैं इस ग्राउंड पर कि सक्सेसर पहली कंडीशन राइट ऑफ की तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन कि डेटर शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली यही हुआ था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेडेसेसर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, यानी फर्स्ट कंडीशन कि डेटर हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम, और सक्सेसर अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो 36(1)(7) की कंडीशन फुलफिल्ड मानी जाएंगी एंड देयरफॉर डिडक्शन विल बी अलाउड टू द सक्सेसर फॉर द बैड डेट। वीरा भद्रा राव इंपॉर्टेंट मार्क करिए। द जजमेंट ऑफ वीरा भद्रा राव इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पेज 123। इन दिस केस अ फर्म मेड अ सेल टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹1,00,000। यानी फर्म ने सेल किया, डेटर फर्म ने क्रिएट किया है। द फर्म वॉज सक्सीडेड टू बाय अ कंपनी and the debtor X was also transferred to the company. The company writes off the debtor of 1 lakh and claims a deduction of bad debt. AO ne dene se mana kar diya on the ground that company is not satisfying both the conditions. The Supreme Court in Veera Bhadra Rao held that a successor to business will be entitled to claim an allowance for bad debt even though the debt did not relate to the business of the assessee but to the business it has succeeded. The court held that even if the relevant debt has been taken into account in computing the income of the predecessor only and had been written off as irrecoverable in the accounts of the successor assessee, the successor assessee will be entitled to deduction of bad debt and therefore 1 lakh is allowed as deduction in the hands of the successor assessee. लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं दिया था पास्ट ईयर का, क्वेश्चन 2 था शायद। सो पेज 263 पर क्वेश्चन 2 है। द बिजनेस ऑफ आरबीएन कंपनी ऑफ फर्म वॉज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न विद ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू एम कंपनी इन 2013। आउट ऑफ द बुक डेट्स विच वर ट्रांसफर्ड a sum of ₹1 lakh was found to be irrecoverable by MN company in financial year 21-22 and was consequently written off as bad debt. The AO declined to allow the claim on the ground that debt related to business when it was carried on by RBN company. So, इस केस में वीरा भद्रा राव इन कंपनी लग जाएगा, जो सक्सेसर इन बिजनेस है उसको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी असेसमेंट ईयर 22-23 में। राव द डिडक्शन विल सेक्शन 41 होता है, पहली बार करा रहा हूं आपको।
धीरे धीरे सेक्शन करेंगे 41, 1, 2, 3, 4, 5। सेक्शन 41 होता है इन नटशेल, इन नटशेल। कोई एक्सपेंस आपको अलाउ हो गया, बाद में उसकी रिकवरी हो गई, देन दैट रिकवरी इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी अंडर सेक्शन 41। सो नटशेल में सेक्शन यह है कि कोई एक्सपेंस आपको अलाउ हो गया, बाद में उस एक्सपेंस की आपको रिकवरी हो गई, देन दैट रिकवरी इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी इन द ईयर इन विच रिकवरी इज मेड। पेज 1, 2, 3 सेक्शन 41(4) कहता है कि अगर आपको बैड डेट अलाउ हो गया, अगर बैड डेट आपको अलाउ हो गया और बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है, तो जिस साल में रिकवरी होगी बैड डेट रिकवरी इज टैक्सेबल इन दैट ईयर अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आप बिजनेस बंद कर चुके हैं, अगर आप बिजनेस बंद कर चुके हैं उसके बाद भी रिकवरी हो रही है आपको, देन ऑल्सो इट्स टैक्सेबल एज पीजीबीपी। सो 41(4) कहता है कि अगर बिजनेस बंद भी कर चुके हैं आप, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर 41(4). देखिएगा पेज 1, 2, 3 बैड डेट रिकवरी, और सेक्शन 41 तब लगता है जब आपको डिडक्शन अलाउ हो चुकी है। वेयर अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट एंड द बैड डेट इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, then the amount so recovered shall be deemed to be the income under the head PGBP of the previous year in which the amount is so recovered. Underline kariye, this shall apply even if the business profession is not in existence in the previous year in which recovery is made. To jis saal recovery kar rahe hain, agar business band bhi kar chuke hain to bhi ye taxable hoga PGBP mein in the year of recovery. लास्ट लाइन आपने अंडरलाइन की है, फॉर एग्जाम्पल 1 lakh इज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर मिस्टर ए असेसी राइट्स ऑफ 40,000 एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 14। आंसर मत देखिएगा, सो 1 lakh डेटर से लेना था, 40,000 असेसी ने राइट ऑफ कर दिया एज इरिकवरेबल, सब्सिक्वेंटली इन द प्रीवियस ईयर 71,70,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम ए। आंसर मत देखिएगा क्या होगा, तो 70,000 मानेंगे हम, जो मेरा एग्जिस्टिंग डेट कितने का बचा हुआ है 60,000 का, उसकी तरफ रिकवर हुआ है। बैड डेट रिकवरी कितनी हुई है 10,000। हियर 60,000 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिकवर्ड टुवर्ड्स द डेट इन बुक्स एंड 10,000 टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ 40,000। 10,000 शैल बी टैक्सेबल एज पीजीपी अंडर सेक्शन 41(4) इन प्रीवियस ईयर 21। पीके के माल, पीके के माल, अगर प्रेडिसेसर ने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया और सक्सेसर उसकी रिकवरी करता है, अगर प्रेडिसेसर ने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया और सक्सेसर उसकी रिकवरी करता है, तो कोर्ट्स का कंसिस्टेंट व्यू है दैट रिकवरी इज नॉट टैक्सेबल। कोर्ट्स ने कहा 41(4) तब लगेगा असेसी जिसने बैड डेट राइट ऑफ किया था और जो असेसी रिसीव कर रहा है उसे रिकवर कर रहा है, दे आर द सेम। यहां असेसी बदल गया है एंड एज पर कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द जुडिशरी 41(1) नहीं लगेगा यहां पर। प्रेडिसेसर को क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज वो रिकवरी कर ही नहीं रहा। सक्सेसर को क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज सेम असेसी नहीं है। एज पर द कोर्ट डिसीजंस असेसी जिसने बैड डेट क्लेम किया था और असेसी जो रिकवरी कर रहा है, दे मस्ट बी द सेम। पीके के माल,
In this case, the firm had claimed and was allowed bad debt of rupees 1 lakh in previous year 31st March 14. So 31st March 14 mein ek firm ko bad debt allow gaya. The firm was dissolved and was taken over by a partner, Mr. A. Mr. A recovers 1 lakh as bad debt in previous year 31st March 21. Kya hoga? Not taxable. Because our SSC has changed. Held debt for the applicability of 41(4). The assessee who claimed the deduction of bad debt and the assessee who recovers the bad debt must be the same. Where a bad debt has been allowed to the firm and the firm makes the recovery thereof, to 41(4) firm ke haath mein lag jata. But if the firm is dissolved and the business is continued with the erstwhile partner, then any recovery made with the partner towards bad debt will not attract 41(4) since assessee has changed. In the present case, 1 lakh is not taxable in the hands of the firm or the partner, and the same is a capital receipt in the hands of the partner. Quick question. देखिए तो वीरभद्र राव का बिल्कुल अपोजिट लॉजिक हो गया. दोनों केस में देखिए असेसी को बेनिफिट दे रहे हैं. वीरभद्र राव उल्टा केस है जहां डेटर राइट ऑफ कर रहा है सक्सेसर. नहीं, इनका क्वेश्चन है कि लॉजिक देखिए कि वहां डिडक्शन दे रहे हैं सक्सेसर को, यहां सक्सेसर के हाथ में टैक्सेबल नहीं कर रहे, तो दोनों केस में सक्सेसर को ही बेनिफिट दे रहे. आई थॉट यू विल बी कंफ्यूज विद द अंडरलाइन पोर्शन. मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन कराई थी, मैंने सोचा उससे आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्या. ये जो हमने अंडरलाइन पोर्शन है वो क्या लिखा हुआ है कि असेसी सेम है, बिजनेस बंद कर दिया उसने. जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, बिजनेस बंद कर देता हूं और रिकवरी करता हूं तो टैक्सेबल है. यहां असेसी सेम है. जो अंडरलाइन पोर्शन है वो ये है कि असेसी सेम है, बिजनेस बंद कर चुका है तो भी टैक्सेबल है. क्लियर है? अब एक काम करिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए, स्पेस है शायद 1, 2, 4 एट द बॉटम स्पेस है, वहां लिखिए. एक काम करिए, देखिए ये आपका स्पेस है ना, ये स्पेस है, इसे दो पार्ट्स में लिखेंगे आप. लाइन मत कीजिएगा आप, जो मैं लिख रहा हूं पहले यहां लिखिएगा और फिर यहां लिखिए. अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी में चली जाती है, अमलगमेट हो जाती है. डीमर्ज कंपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी को. फादर की डेथ पर सन बिजनेस सक्सीड कर लेता है, या फिर कोई भी केस हो, प्रेडिसेसर का बिजनेस सक्सेसर ले जाता है. इसे हम ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं. ठीक. अब जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखिए, अगर ए टू बी डेटर था, डेटर ट्रांसफर हो रहा है
और जो बी है राइट्स ऑफ बैड डेट, क्या होगा फिर? बैड डेट अलाउड टू बी, एज पर सुप्रीम कोर्ट इन वीरा भद्रा राव, ठीक, ए टू बी इसने डेटा राइट ऑफ कर दिया और ये रिकवरी कर रहा है बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट रिकवर्ड, क्या होगा? नॉट टैक्सेबल एज पर पीके के माल, ठीक, ए के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज वो रिकवरी कर ही नहीं रहा, टैक्सेबल ही नहीं है बिल्कुल। क्लियर है? एक बात सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ध्यान दिला दूंगा। वैसे ये हमने 41(4) किया किस लिए? बैड डेट रिकवरी। नेक्स्ट क्लास में शायद, या उसे नेक्स्ट क्लास में, आई द नेक्स्ट क्लास या उसे नेक्स्ट क्लास, एक सेक्शन कराऊंगा 41(1) जहां कोई एक्सपेंस किया गया, अलाउ हो गया, और बाद में एक्सपेंस की रिकवरी हो जाती है, देन दैट रिकवरी इज टैक्सेबल अंडर 41(1) एस पी जीबीपी। आप कहेंगे एक्सपेंस की एग्जांपल दीजिए, आपको जब ये क्लास करूंगा बड़े सारे एग्जांपल दूंगा, जब ये क्लास कराऊंगा, जब ये सेक्शन कराऊंगा तो बड़े सारे एग्जांपल दूंगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। 41(1) कहता है कोई एक्सपेंस किया आपने, अलाउ हो गया, बाद में एक्सपेंस की रिकवरी हो गई, दैट रिकवरी इज टैक्सेबल एस पी जीपी। जैसे आपने सेल टैक्स पे किया, सेल टैक्स आपको 43B में अलाउ हो गया, बाद में सेल टैक्स का रिफंड मिल गया, दैट सेल टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल एस पी जीपी। इनकम टैक्स रिफंड नहीं आएगा बिकॉज ये सेक्शन बोलेगा आपने एक्सपेंस किया, वो एक्सपेंस अलाउ हो गया, बाद में रिकवरी हो गई। इनकम टैक्स तो एक्सपेंस अलाउड ही नहीं होता, इस क्लास में कराऊंगा प्लीज, अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे। यहां पर भी जजमेंट्स आ गई थी, यहां पर भी जजमेंट्स आ गई थी कि अगर वही, अगर प्रेडेसेसर एक्सपेंस इनकर करता है और रिकवरी सक्सेसर करता है, तो यहां भी जजमेंट्स आ गई थी टैक्सेबल नहीं है बिकॉज असेसी हैज चेंज, बट यहां अमेंडमेंट्स कर दी गई है। 41(1) में अमेंडमेंट्स कर दी गई है, 41(1) में लिख दिया गया है कि अगर सक्सेसर भी रिसीव करेगा तो टैक्सेबल है। 41(1) में लिख दिया गया है कि अगर
किसी वजह से बिजनेस सक्सीड हो जाता है और एक्सपेंस की रिकवरी सक्सेसर करता है, देन सक्सेसर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। अब बताइए मैं 41(1) और 41(4) कब लगाऊंगा? स्पेसिफिक सेक्शन ऑलवेज ओवरऑल जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन कौन सा है मेरा? ये। जब भी बैड डेट रिकवरी होगी कौन सा सेक्शन लगाएंगे आप? 41(4). वहां पी के कमाल ओवरऑल नहीं हुआ है, बट इस सेक्शन में पी के कमाल ओवरऑल हो चुका है। तो अगर बैड डेट रिकवरी है तो ये सेक्शन लगाएंगे, पी के कमाल लगेगा, और अगर कोई और एक्सपेंस रिकवरी है तो सक्सेसर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे 41(1) में, वहां अमेंडमेंट्स आ गई है। ठीक, देखिए कोर्ट जजमेंट्स हमेशा लॉजिकल नहीं देती है। होता क्या है, हाई कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है, हो सकता है उसे टैक्स ना आता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस जज के पास मैटर चला गया उसके वो इनकम टैक्स नहीं आता, वो अपने हिसाब से जजमेंट दे देता है। ओके, अपने फादर मदर से पूछिएगा, इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, और आपके पैदा होने से पहले इमरजेंसी खत्म हो गई थी। तो अपने फादर मदर से पूछिएगा क्या हुआ था इमरजेंसी में। लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया था, मतलब एक्सेसेस क्रिएट किए गए थे, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है हमने। लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी, जैसे बोलते हैं नसबंदी, मतलब इनफर्टाइल कर देते थे ऑपरेट करके। उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कंपनीज को बोला था अपने सब इंप्लॉयज की नसबंदी कर दीजिए, नहीं मानता इंप्लॉय जॉब से निकाल दीजिए। सो मैंने कहा अपने फादर मदर से पूछे, वो बताएंगे क्या हुआ था। सो जॉब कर रहे थे आप, तो कंपनी को बोला गया कि इंप्लॉय को इनफर्टाइल करिए ऑपरेट करके, और नहीं मानता वो, उसे जॉब से बाहर करिए। इमरजेंसी ये थी, उस समय ये सेक्शन आया था। अब ये सेक्शन बेकार है, लेकिन एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछता है और आपसे गलत करा के छोड़ता है। पेज 124, सेक्शन 36(19), पेज 124, सेक्शन 36(19), मुझसे एग्जाम्पल्स मत पूछिएगा, मुझे एग्जाम्पल नहीं आते। जो आपके दिमाग में आए इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोनाफाइडी इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉइज, ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन दे नहीं पाया करने के लिए। उसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसमें लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ऑफ द एम्प्लॉयज 5 लाख, क्या करेंगे? डिस अलाउ करेंगे। दिस इज ओनली फॉर कंपनी। सो पार्टनरशिप फर्म अगर ये एक्सपेंडिचर क्लेम करेगी, इट विल बी डिस अलाउड। कंपनी के केस में क्वेश्चन दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी 10 लाख। तो मैंने कहा एग्जामिनर आज भी ये क्वेश्चन पूछता है। सो अगर आप अपने कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स की फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं, डिसअलाउ हो जाएगा। सो कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग करा रही है किसकी?
एम्प्लॉयज की, तब ही ये डिडक्शन मिलेगी कंपनी को, प्रोवाइडेड इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। अगर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करती है 10 लाख रुपए का, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, कंपनी का केस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग द एम्प्लॉयज 10 लाख, तो लॉ कहेगा 1/5 एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा करंट ईयर में और 1/5 अलाउ होगा नेक्स्ट 4 ईयर्स में। तो जब इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने कहा था हॉस्पिटल बनाइए अंदर कंपनीज में, मतलब 2-2 रूम बना लीजिए और वहां इंप्लॉयज को पकड़ के उनकी नसबंदी करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर था रूम बनाने पर। सो ये सब था आपका। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू अ कंपनी वेयर सच एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर। अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देन 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज इनकर्ड एंड द बैलेंस विल बी डिडक्टेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन ईच ऑफ द 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स। द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनऑब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी इन द सेम मैनर एज अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? एक काम करते हैं, चलिए सेक्शन 36 में एक दो क्लॉजेस और करते हैं। आइएगा प्लीज पेज 115 पर। पेज 115 पर इधर देखिएगा, एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉई आपसे कितना बोनस मांग सकता मैक्सिमम? 20%। सो एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉई कैन डिमांड मैक्सिमम बोनस ऑफ 20%। बताइए कंपनी अगर एम्प्लॉई को 60% बोनस देती है तो क्या होगा? डिडक्शन 20 की मिलेगी। जो आप लॉ कह रहे हैं कि डिडक्शन 20 की मिलेगी, ये लॉ 30 साल पहले होता था, यहां तक 30 साल पहले। सो 1988-89 तक लॉ कहता था बोनस की डिडक्शन मिलेगी आपको टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। लॉ अमेंड किया गया था और ये लिमिट्स हटा दी गई थी। सो अगर आप पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से ज्यादा भी बोनस देते हैं, दैट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन। वो तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉयज डिमांड कर सकते हैं मैक्सिमम 20%, एम्प्लॉयर 40% 100% भी दे सकता है। सो 89-90 30 साल पहले लिमिट्स हटा दी गई थी। नाउ अगर आप पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो लिमिट है उससे ज्यादा भी पे करते हैं, देन बोनस इज अलाउड एज डिडक्शन टू द असेसी। पेज 115, बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉयज एनी, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं आप, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36। द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36। एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वेयर सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल एज प्रॉफिट्स ऑफ द एम्प्लॉई। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। वेयर सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल एज प्रॉफिट्स टू द एम्प्लॉई, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए, ऑन द अमाउंट ऑफ बोनस
एंड इट मे एक्सीड द बोनस पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. इसके आगे लिखिए, बोनस आपको अलाउ होता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B. तो जो बोनस एम्प्लॉयज को देते हैं, इट्स अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस अंडर 43B. तो अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एम्प्लॉयज 20% डिमांड कर सकते हैं, बट एम्प्लॉयर चाहे तो ज्यादा बोनस दे सकता है, 60% देता है, पूरी डिडक्शन मिल जाएगी ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट अंडर 43B. ये जो लाइन लिखी है ना, हम अलाउ करेंगे वेयर अ सम वुड नॉट हैव बीन पेबल एज प्रॉफिट टू द एम्प्लॉय. देखिए कंपनी क्या प्लानिंग करती थी, मेरे शेयर होल्डर्स हैं ए बी सी डी और सी डी मेरे एम्प्लॉय भी हैं, चार शेयर होल्डर हैं, इसमें से दो मेरे एम्प्लॉय हैं सी एंड डी. कंपनी ए और बी को 25,000 डिविडेंड देती है, चारों की इक्वल शेयर होल्डिंग है, बट इनको कितना दे रही है डिविडेंड 5,000 और इनको बोनस देती है 60,000 रुपीज. कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है सर, क्योंकि डिविडेंड जो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये टोटल का प्रॉफिट है, इसलिए वो बाहर जाके डिविडेंड जो होता है इट इज नॉट अलाउबल एज एन एक्सपेंस. डिविडेंड इज नॉट अलाउबल एज एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर कंपनी कितना डिविडेंड बोनस के रूप में दे रही है, 20,000. सो कंपनी ये प्लानिंग कर रही है कि कंपनी को डिडक्शन मिल जाए एक्सपेंडिचर की. सो हेयर 20,000 इज नॉट रियली बोनस, इट्स प्रॉफिट्स पेबल टू द शेयर होल्डर डिस्गाइज्ड एज बोनस. 20,000 इज पेबल टू सीएनडी टर्म्ड एज बोनस रियली रिप्रेजेंट्स डिविडेंड, देयरफॉर आउट ऑफ बोनस ऑफ 120 40,000 is not allowable since it was payable as profits, that is dividends to CND. So section 36 अभी इतना ही छोड़ देते हैं, section 36 अभी इतना ही छोड़ देते हैं, एक नया section पकड़ते हैं. Page 153. आपको मालूम है जो आप फॉरेन साइट्स को पेमेंट करते हैं, अलीबाबा वगैरह, दो मिनट जनरल बात कर रहा हूं, आज के टॉपिक से कोई लिंक नहीं है. आज मैं अलीबाबा की वेबसाइट से कुछ खरीदता हूं, ठीक है, तो जो मैं अलीबाबा को पेमेंट कर रहा हूं मुझे बिजनेस एक्सपेंस मिल जाएगा. अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं बिजनेस के लिए और अलीबाबा की साइट पर पेमेंट कर रहा हूं, मुझे एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. क्या अलीबाबा की इनकम टैक्सेबल होगी? ये लोग क्या करते हैं, मैं जब आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन कराऊंगा पेपर 6C में, वहां सारी बातें करेंगे. ऑल्दो जो 30 मार्क्स का पेपर होता है वहां पर हमारा 7 में, वहां इतनी डिटेल बात नहीं कर पाते हम, बट ये बातें मुझे करनी पड़ेंगी इवन फॉर 30 मार्क्स मुझे इस बार ये बातें करनी पड़ेंगी आपसे. अलीबाबा और ये गूगल वगैरह, इनकी इनकम पूरे वर्ल्ड में टैक्सेबल नहीं है. क्यों टैक्सेबल नहीं है? ये लोग काम कैसे करते हैं? सर्वर
और इनके सर्वर कहां रखे हुए हैं? ना यूएस में कोई सर्वर नहीं है इनका, यूएस में कोई सर्वर नहीं है इनका। गूगल चाहे यूएस में इनकॉर्पोरेटेड होगी बट एक भी सर्वर इनका यूएस में नहीं है। इनके सर्वर हैं केमेंस आइलैंड में। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हैं, जो टैक्स हेवन है, जहां टैक्स लगता ही नहीं है, और इन्होंने सारे सर्वर जाके वहां रख दिए हैं। अब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर टैक्स हेवन में गया, और ये जो डिलीवरी कराते हैं, डिलीवरी भी टैक्स हेवन से कराते हैं। कर लीजिए, टैक्स कैसे करेंगे हमें? इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड लाचार था, है पूरा वर्ल्ड, इवन लाइक द इकोनॉमीज लाइक यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई इन पर टैक्स लगा नहीं सकती। कहते हैं हमारा तो सर्वर वहां रखा है, है टैक्स हेवन में, सारा ऑर्डर टैक्स हेवन में आ रहा है, हम सारी डिलीवरी वहीं से करवाते हैं, लगाइए टैक्स कैसे लगाएंगे हम पर? पूरा वर्ल्ड इन पर टैक्स नहीं लगा पा रहा था। आपको कराऊंगा, 30 नंबर में भी कराना पड़ेगा मुझे इस बार, क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें 106 कंट्रीज साथ आई, 106 कंट्रीज साथ आई, इंडिया भी साथ गई, इंडिया भी साथ गई। और इस ओईसीडी ने कहा कि जो वर्ल्ड वाइड टैक्स इवेजन हो रहा है, सबको लॉस है, गेन कर रहा है अलीबाबा, अमेजॉन, गूगल, हमें किसी को पैसा नहीं मिल रहा, तो सब मिलके लॉ बनाते हैं कि इनको टैक्स किया जाए। यस प्लीज। और 106 कंट्री ने मिलकर, एक साथ मिलकर 2016 में एक टैक्स लगाया था, इक्वलाइजेशन लेवी, नाम सुना होगा शायद आपने, इक्वलाइजेशन लेवी, जो आपको 2-3 क्लास में करा दूंगा मैं, क्योंकि वो मैं आसानी से समझा सकूंगा आपको, आसानी से समझा पाऊंगा मैं आपको। इक्वलाइजेशन लेवी, जहां मैं अगर गूगल में एड बुक करता हूं और गूगल इंडिया मेरा एड नहीं ले रही, गूगल वर्जिन आइलैंड्स वाला मेरा एड ले रहा है, आप स्वाइप करके देखिएगा, मेरी इंटरनेशनल पेमेंट जाती है वो गूगल, वहां जाती है नीदरलैंड्स या गूगल वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। और अब गूगल कहता है आप मुझ पर टैक्स लगा नहीं सकते, तो इसलिए 106 कंट्रीज ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया, जो हम 1-2 क्लास में पढ़ लेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ा पाऊंगा क्योंकि उसमें आधा घंटा देने से मैं समझा पाऊंगा आपको। अब क्या है, ये 106 कंट्रीज मिलके लॉ बनाती हैं, और ये अमेंडमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं आती, ये 106 कंट्रीज के डोमेस्टिक लॉज में अमेंडमेंट आती है। तो इक्वलाइजेशन लेवी जब लाए, सिर्फ इंडिया नहीं लाई, 106 कंट्रीज इकट्ठा लेके आई थी, 106 कंट्रीज इकट्ठा लेके आई थी। फिर हम पेपर 6C में इसकी डिटेलिंग करते हैं, पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, क्या हो रहा था, कैसे इवेजन होता है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पेपर 6C में डिटेलिंग करते हैं। अब मैंने बताया था ना आपको, फाइनेंस बिल जब ये एक्ट बना, चुपचाप इन्होंने 40+ अमेंडमेंट्स कर दिए,
चुपचाप इन्होंने 40 प्लस अमेंडमेंट्स कर दी। इसलिए जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं आपने कहीं सुनी नहीं होगी, क्योंकि जब बजट आया था ये बातें डिस्कस ही नहीं हुई, क्योंकि थी नहीं बिल में। और चुपचाप जब बिल पास हुआ इन्होंने सारी चीजें ऐड कर दी। तो एक और टैक्स लगाया गया कि जो आप फॉरेन साइट्स को पेमेंट करेंगे वहां टैक्स लगा दिया गया, और वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आपको वो वाला टैक्स मैं प्रॉपर नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज उस टैक्स को लगाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए समझाने के लिए बैक, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है। उसे हम 30 मार्क्स में कवर कर लेंगे, यहां ऊपर ऊपर से करा दूंगा। तो जो नया टैक्स लगाया फाइनेंस एक्ट 2020 से, जहां पेमेंट करते हैं फॉरेन साइट्स को, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी तो प्रॉपर करा दूंगा आपको, बट जो दूसरा टैक्स लगा है जो बिल में नहीं था एक्ट में आ गया, वो आपको करा तो दूंगा बट ऊपर ऊपर से करा पाऊंगा, क्योंकि उसका बेस बनाने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे चाहिए। वो हम जब 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन करेंगे वहां करेंगे, अदरवाइज मेरे एफर्ट्स डबल हो जाएंगे। ठीक, सेक्शन 40A1, अगर असेसी नॉन रेजिडेंट को सपोज रॉयल्टी देता है प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 में, तो 40A1 कहता है कि एक्सपेंस आपको तब अलाउ होगा जब TDS डिडक्ट हो गया है बाय 31 मार्च 22। TDS डिडक्ट हो गया 31 मार्च 22 तक, एंड जो TDS है वो पे हो गया है बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होती है? 31 जुलाई 22। नॉन ऑडिट केसेस, ऑडिट केसेस में 31 अक्टूबर 22, और TP केस में 30 नवंबर 22। सो 40A1 कहता है कि अगर कोई भी सम आपको पे करना है नॉन रेजिडेंट को एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी, तो रॉयल्टी आपकी अलाउ होगी अगर TDS आपने डिडक्ट कर लिया इन द प्रीवियस ईयर एंड TDS आपने पे कर दिया बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि रॉयल्टी मेरी अगस्त 21 की है। एज पर लॉ आपको TDS काटना होता है बाय जब भी आप क्रेडिट करते हैं, और आपको पे करना होता है बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपने पे 7 सितंबर को नहीं किया, आपने 31 मार्च 22 को पे किया है, या फिर पे किया आपने मान लीजिए 30 जून 22 को, तो भी आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। रॉयल्टी आपने क्रेडिट की अगस्त 21 में, TDS का लॉ बोलता है कि आपको TDS जमा करना है बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ ना जमा करके 31 मार्च 22 को जमा करते हैं, या फिर 30 जून 22 को जमा करते हैं, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा आपका, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। TDS देर से जमा करने के लिए इंटरेस्ट लगता है, जो हम TDS के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी हम PGBP में एक्सपेंस अलाउबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस आपका अलाउ हो जाएगा। सो ये डिफॉल्ट आपका TDS के चैप्टर में है, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शायद पेनल्टी भी देनी पड़ेगी फॉर लेट पेमेंट ऑफ TDS। अभी जो हम बात कर रहे हैं, 40A1 कहता है
कि एक्सपेंस आपको अलाउ तभी होगा जो आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, अगर टीडीएस आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर काट लिया है, चाहे देर से काटा है बट 31 मार्च 2022 तक काट लिया है और उससे आपने जमा कर दिया है बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, चाहे एक्चुअल डेट थी मेरी 7 सितंबर मैंने देर से जमा किया बट ड्यू डेट तक जमा कर दिया, एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। सो 40A1 नेगेटिवली वर्डेड है, इट्स इज एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस आपने इस दिन तक नहीं काटा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस आपने इस दिन तक नहीं काटा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस आपने काट दिया इस दिन तक बट इस दिन तक जमा नहीं किया, ड्यू डेट तक जमा नहीं किया, तो प्रीवियस ईयर 22 में एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सेक्शन ये भी कहता है कि सपोज आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 31 मार्च 2022 को और डिपॉजिट किया आपने ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर 2022 को, तो सेक्शन कहेगा कि एक्सपेंस आपका अलाउ होगा जिस साल भी आपने डिपॉजिट किया, यानी प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2023 में। सो अगर डिडक्ट टाइम पे कर लिया आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट डिपॉजिट आप ड्यू डेट के बाद करते हैं, तो जिस प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करेंगे, इन माय एग्जांपल 31 मार्च 2023, उसमें आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाए। अगर टीडीएस प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 की रॉयल्टी है, आपने टीडीएस डिडक्ट लेट किया, 30 जून 2022 को डिडक्ट किया और डिपॉजिट कर दिया आपने, लेट्स से 15 जुलाई 2022 को, तो लॉ कहेगा जिस साल आप जमा करेंगे उस साल आपका अलाउ होगा। अगर टीडीएस आपने प्रीवियस ईयर के एंड के बाद काटा तो प्रीवियस ईयर 22 में अलाउ नहीं होगा, जिस साल भी टीडीएस काट कर जमा करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2023 में आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। सेक्शन में आइए, पेज 153, notwithstanding anything contained in sections 30 to 38, no deduction shall be allowed in respect of the following 40A1। सो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर द एक्ट, यानी कोई भी पेमेंट आप दे रहे हैं आपके हाथ में एक्सपेंस है और जो नॉन रेजिडेंट है उसके हाथ में इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, तब ये सेक्शन लगता है, विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया। पहले इस सेक्शन में होता था सिर्फ ये वर्ड विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, लोगों ने इस सेक्शन को डिफीट किया। कैसे डिफीट किया, लोग क्या करते थे, पेमेंट जो है एनआर को इन इंडिया कर देते थे विदाउट टीडीएस। सो एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे कि हम पेमेंट करेंगे इन इंडिया टू द नॉन रेजिडेंट, तो कोर्ट्स ने कहा कि सिंस पेमेंट वॉज टू बी मेड इन इंडिया ये सेक्शन नहीं लगेगा, एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट की विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, टू अ नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B, 17B ऑफ द चैप्टर ऑफ टीडीएस एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये टैक्स
काटा नहीं आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), तो अगर आपने काटा नहीं या फिर काट के जमा नहीं किया बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। यहां सैलरी नहीं आई, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया के लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 40 में ही एक क्लॉज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसे। सो यहां सैलरी इज नॉट कवर्ड, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा सैलरी इज नॉट कवर्ड। सो सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया इज नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। सो लॉ कहता है कि कोई भी सम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या कोई भी सम जो इंडिया में एनआर के हाथ में टैक्सेबल है और जो आप इंडिया से बाहर पे करेंगे या फिर इंडिया में पे करेंगे टू एनआर और टू फॉरेन कंपनी, और जिस पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए और टीडीएस नहीं काटा गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर डिडक्शन के बाद नहीं पे किया गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सॉरी बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा प्रोवाइडेड। सो प्रोविजो कहते हैं कि टीडीएस अगर आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया तो जिस प्रीवियस ईयर में जमा करेंगे उस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। प्रोविजो यह भी कहती है कि अगर टीडीएस आपने नेक्स्ट ईयर डिडक्ट किया, नेक्स्ट ईयर डिडक्ट किया, तो प्रोविजो कहेगी जिस साल में टीडीएस पे करेंगे आप उस साल में एक्सपेंस अलाउ होगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टीडीएस हैज डिडक्टेड इन एनी सबसिक्वेंट ईयर, टीडीएस आपने अगले साल में काटा या फिर डिडक्ट कर लिया आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), देन सच सम शुड बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द टीडीएस हैज बीन पेड। तो टीडीएस आपने काटना चाहिए था 31 मार्च 2022 में, काटा आपने लेट 30 जून 2022 को, तो जब आप जमा करेंगे उस साल में अलाउ होगा, यानी प्रीवियस ईयर 23 में अलाउ होगा। अगर आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया तो जिस प्रीवियस ईयर में जमा करेंगे उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। अब ये सेकेंड प्रोविजन मत पढ़िएगा, सेकेंड प्रोविजन मत पढ़िएगा, इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या आपकी क्वेरी? अच्छा, इनकी क्वेरी मैं टेकअप कर लेता हूं बट डिटेल में डील करेंगे इन फिफ्थ मॉड्यूल द चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। इनकी क्वेरी है कि एक फॉरनर, लेट्स से यूएसए में है, इंडियन असेसी के लिए यूएसए में ऑर्डर्स कलेक्ट करता है फ्रॉम कस्टमर्स इन यूएस। एक फॉरनर इंडियन असेसी के लिए यूएसए में ऑर्डर्स कलेक्ट करता है फ्रॉम कस्टमर्स इन यूएस, और ये ऑर्डर्स फिर इंडियन को दे देता है। इंडियन इस फॉरनर को इन ऑर्डर्स पर कमीशन पे करता है। तो हम फॉरेन टैक्सेशन में पढ़ेंगे ये कमीशन इंडिया में टैक्सेबल नहीं है इन हैंड्स ऑफ फॉरनर, बिकॉज फॉरनर कोई भी सर्विस इंडिया में नहीं कर रहा है, वो सर्विसेज इंडिया से बाहर एंटर कर रहा है, ऑर्डर्स इंडिया से बाहर कलेक्ट कर रहा है। तो कोर्ट्स के व्यूज हैं इस पर, जजमेंट्स हैं जो कहती हैं ये जो कमीशन है
इंडिया में टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ फॉरनर एंड अकॉर्डिंगली इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। और ये जो कमीशन इंडियन पे कर रहा है फॉरनर को विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, ये कमीशन इंडिया को, इंडियन असेसी को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी, बिकॉज ये सेक्शन तब लगता है जब जो आप फॉरनर को पे करें दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो आई होप योर क्वेरी इज क्लियर कि अगर एक इंडियन असेसी के लिए एक फॉरनर अपनी फॉरेन कंट्री में या दूसरी फॉरेन कंट्रीज में ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है और इंडियन को ये ऑर्डर्स दे रहा है, तो इस पर जो इंडियन कमीशन पे करेगा फॉरनर को, ये कमीशन इंडियन के हाथ में, सॉरी फॉरनर के हाथ में, ये कमीशन फॉरनर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। एंड देयरफॉर अगर इस पर टीडीएस काटना बनता ही नहीं है और टीडीएस नहीं काटा गया है और पेमेंट कर दी गई है, एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, कमीशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द इंडियन असेसी। क्या क्वेरी आपकी? ओके। हर क्वेरीज की सपोज इंडियन असेसी को एनआर को पेमेंट करनी है 100 लाख और इस पर 10% टीडीएस काटना चाहिए। हर क्वेरीज कि सपोज 1% टीडीएस काटा जाता है, क्या होगा इसमें? इस केस में ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा कि इस केस में क्या होगा। 10% टीडीएस काटना चाहिए था, आपने 1% काटा, तो 100 लाख इंटू 1/10 यानी 10 लाख का एक्सपेंस आपको अलाउ होगा। अगर आपने 10% की जगह 1% काटा तो एक्सपेंस आपको 10 लाख अलाउ होगा, 90 लाख विल बी डिसअलाउड। सपोज 2% काटा तो 20 लाख आपको अलाउ होगा, 80 लाख विल बी डिसअलाउड। देखिएगा एनालिसिस ऑन पेज 154, दिस अलाउंस अंडर 40A1 शैल बी अट्रैक्टिव। कंडीशन 1, द अमाउंट पेड और पेएबल इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। द अफोसेट सम्स मस्ट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कमीशन का, जो कमीशन आप इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं फॉर ऑर्डर्स कलेक्टेड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता इन द हैंड्स ऑफ फॉरनर, उस पर टीडीएस नहीं कट रहा, तो एक्सपेंस कमीशन आपको अलाउ हो जाएगी। 2, द अफोसेट सम इज पेड और इज पेबल आउटसाइड इंडिया टू एनर फॉरेन कंपनी और इन इंडिया टू एनर ऑफ फॉरेन कंपनी। कंडीशन 3, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन द अफोसेट पेमेंट्स, और अफोसेट पेमेंट्स पर जो कर रहे हैं टीडीएस की डिडक्शन करने की लायबिलिटी इज देयर। एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट्स टेक प्लेस, पेज 155, टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, यहां लिखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लिखिए टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड के बाद लिखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टैक्स एट सोर्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, इसके बाद लिखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर टैक्स एट सोर्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1)।
तो अगर इनमें से कोई भी डिफॉल्ट हो जाए तो एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड. द प्रोविजन टू सेक्शन 40A1 प्रोवाइड्स दैट वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर और टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1) देन such sum shall be allowed as deduction in the previous year in which the TDS has been paid. So friends, aaj ke liye itna kaafi hai, we'll stop here. So next class mein isko continue karenge. Okay, we'll stop here.